हेलो एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स इको फॉर जेई 2022 के पेपर नंबर 13 के सॉल्यूशन को, जिसमें हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी एंड ईएमडब्ल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइल हैज 1000 टर्न्स एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट्स एरिया। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ए मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड ऑफ 2×10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन 0.2 सेकंड्स। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन मिली वोल्ट्स इज। ओके, तो काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एवरेज ईएमएफ हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो एवरेज ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? ई एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, फ्लक्स में होने वाला चेंज कैलकुलेट करेंगे उससे पहले। तो देखो, सबसे पहले हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी की वैल्यू, उसको देखना है, एरिया देखना है, नंबर ऑफ टर्न्स देखने हैं। तो फ्लक्स जो है, इनिशियल फ्लक्स कितना था, उसके बाद में कोयल की डायरेक्शन को हमने 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो चेंज जो होगा वो टू टाइम्स नहीं होगा क्या? तो चेंज इन फ्लक्स टू टाइम्स हो जाएगा, 2×NBA, और जो भी टाइम इंटरवल इसके अंदर इस प्रोसेस में लगा वो 0.2 है, तो डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो बस बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। तो 2× नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 1000 है, बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2×10⁻⁵ है, एंड एरिया जो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 500×10⁻⁴ आ जाएगा मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो, और अपॉन में डेल्टा टी विच इज 0.2। ओके, तो इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर 000 एंड 00, ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया ये, एंड देन 0.2 है तो इसको ऊपर लेके जाइए तो -3 आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 5×2 10 आ गया, एंड 10×10⁻³ मतलब 10 मिली वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो मिली वोल्ट के अंदर पूछा था आंसर, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक क्लोज्ड कॉइल विद रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज फाई, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल विल बी। चार्ज कितना फ्लो करेगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए ईएमएफ जो कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है, माइनस ऑफ एन नंबर ऑफ, अगर आपको टर्न्स दे रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे हैं, तो माइनस का डीफाई बाई डीटी लिख सकता हूँ मैं। तो जो भी कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ जो जनरेट होगा वो इस वे से अपन फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ में अगर मैं रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास करंट आ जाएगी, इंड्यूस करंट, तो जिसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, आई, और आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डीटी। ओके, डीटी से डीटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी क्यू इंटीग्रेशन करें तो अल्टीमेटली जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज को अपन लिख सकते हैं डेल फाई बाय आर, है ना। माइनस साइन जो है वो अपन चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर कर सकते हैं उसके हिसाब से, लेकिन खैर अपन से यहाँ पर वैल्यू पूछी है। तो फाई में चेंज कितना आएगा, जब आप डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो फाई में चेंज कितना आ जाएगा, टू टाइम्स आ जाएगा, पहले फ्लक्स इधर था फिर फ्लक्स इधर हो गया, तो चेंज जो है वो टू टाइम्स हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है आर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 φ/r। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, An aeroplane with wingspan 50 meters is flying horizontally with a speed of 360 km per hour over a place where the vertical component of the Earth's magnetic field is 2×10⁻⁴ Weber per meter square. The potential difference between the tips of the wings would be. Okay, vertical component magnetic field जो है वो Earth का जो है वो दे रखा है हमें, given है, right? और aeroplane के जो wing है उसकी length भी अपन को दे रखी है, तो aeroplane जो है वो fly कर रहा है, तो विंग के अक्रॉस अगर अपन से ईएमएफ पूछे, ईएमएफ कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, तो सिंपली ई इक्वल्स टू बी वी एल, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ है, लेंथ ही हो जाएगी। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना अपन को, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल भी एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रहा है। विंग जो है ना फील्ड लाइंस को कट करना बहुत जरूरी है, तो बी वी इंटू वी इंटू एल, बी वी की वैल्यू कितनी गिवन अपन को, 2×10⁻⁴, वेलोसिटी अपन को दे रखी है 360 किलोमीटर पर आर, तो इसको 000 एंड 3600 से डिवाइड कर देते हैं, इनटू में लेंथ, लेंथ अपन को गिवन है 50 मीटर, ठीक है, तो 0000 कैंसिल आउट हो गया, देन इसे इसको कट कर दें तो ये 100 आ गया, ये 00030 तो -1 बचा, एंड देन वी हैव 5×10 एंड 10 एंड -1 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 4, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 3×10⁻⁴ टेस्ला एंड द डीप एंगल इज 10⁴/3, द मेटल रोड ऑफ लेंथ 0.25 मीटर प्लेस्ड इन द नॉर्थ साउथ पोजीशन इज मूव्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोड विल बी। ओके, देखिए
नॉर्थ साउथ के अलोंग आपने मेटल रोड को रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, अगर अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो, ठीक है। और डीप एंगल हमको गिवन टेन इनवर्स 4/3, तो डीप एंगल की हेल्प से हम बीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीप एंगल है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया बीएच, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बीवी। सो टेन थीटा इक्वल्स टू बीवी बाय बीएच, राइट, सो बीवी इक्वल्स टू बीएच टेन थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बीएच टेन थीटा के इक्वल होगा। सो इंड्यूस डीएमएफ इज ई इक्वल्स टू बीवी वर्टिकल कंपोनेंट विच इज बीएच टेन थीटा इंटू वेलोसिटी इंटू एल। बीएच की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁻⁴, टेन थीटा की वैल्यू भी गिवन है 4/3, वेलोसिटी गिवन अपन को विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ इज ऑल्सो गिवन विच इज 0.25 मीटर, मतलब 1/4, ओके। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव 10 × 10⁻⁴, विच मीन्स 1 × 10⁻³ वोल्ट, ओके। सो आंसर इज 1 मिली वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दो थिक रोड आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको ए और सी के बीच में कनेक्ट कर रखा है, और एक मेटल रोड है पी क्यू जो कि स्लाइड कर रही है। अब इसका टर्मिनल स्पीड आपसे पूछा है, एंड वर्टिकली वर्टिकल प्लेन के अंदर है, ड्यू टू ग्रेविटी ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और रॉड का जो मास है वो हमें एम कंसिडर करना है, जी ग्रेविटी है। तो ऑप्शन से ही पता लग रहा है यहाँ पर, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हुआ कॉन्स्टेंट स्पीड से चलना, तो एम जी फोर्स लग रहा है इस पर, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, तो इसमें ईएमएफ डेफिनेटली इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, और वो करंट कैसे फ्लो होगी इस तरफ, और उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू जो ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज बी वी एल, राइट, एंड दिस इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, आ गया करंट आ गई, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल बी, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा इस रोड पे आई एल बी, और जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो रॉड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो वही स्पीड अपन से पूछिए, टर्मिनल स्पीड पूछी है, सो वी कैन राइट एम जी इक्वल्स टू आई एल बी, आई को बी एल से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, हमसे वी की वैल्यू पूछी है, सो वी इक्वल्स टू एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर जो है इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन की है जो कि है फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एसी जनरेटर कॉइल विद एन टर्न्स ऑल ऑफ द सेम एरिया ए एंड टोटल रेजिस्टेंस आर रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल इज, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, अपन सब लोग जानते हैं जिसने ये चैप्टर पढ़ा है, तो कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ कितना जनरेट होता है, ई इक्वल्स टू बी ए एन ओमेगा एंड देन साइन या कोस, किसकी टर्म्स में आप लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस फॉर्म में ईएमएफ जनरेट होता है, ओके, और ये जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बी एन ओमेगा, और वो केवल एक ऑप्शन में एन बी ए ओमेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, ए फ्लैट सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स टाइटली वाउंड इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, द आउटर रेडियस ऑफ द कॉइल इज कैपिटल आर, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस डीएमएफ इन द सर्किट इज, देखो मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कर रहे हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है बी वैरी करने से यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, जिसको अपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो लेट्स से कि इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होने वाला है, क्योंकि बी इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली है जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E equals to R by 2, जैसे अगर मैं x distance ले लूं, तो ये x आ जाएगा, x by 2 dB by dt, है ना? dB by dt की value अपन बाद में calculate कर लेंगे, तो dB by dt की value को मैं alpha लिख देता हूं side में, है ना? तो ये electric field इतना generate होगा x distance पर, और इस electric field के कारण जो EMF generate होगा इस पूरे loop के अंदर, वो कितना होगा? E into 2 pi x, correct? इस loop के अंदर EMF इतना generate होगा, E into 2 pi x, तो इसको e से मैं जो भी है x by 2 into alpha ये वैल्यू रख देता हूँ, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 pi alpha by 2, ये यहाँ तक वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, पाई एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा, सही है। तो इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हुआ इस पर्टिकुलर लूप के लिए अगर अपन बात करें तो। ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता था, एरिया अपने पास है उसके थ्रू अपन समझ सकते हैं इसको। तो इतना ईएमएफ जनरेट हो गया। अब यहां पर कितने टर्न्स हैं इस रीजन के अंदर, कितने टर्न्स हैं, क्योंकि बहुत टाइटली वाउंड है तो पास पास लपेटा आपने इसको। तो अगर मैं यहां से कंसीडर करूं तो पूरी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर में एन टर्न्स है, तो यूनिट विड्थ में कितने होंगे, एन बाय आर। तो फिर यहां अगर मैं एक्स के कोरस्पॉन्डिंग डीएक्स विड्थ अगर कंसीडर करूं तो डीएक्स विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एन बाय आर इंटू डीएक्स। तो ये कितनी बार जाएंगे, एन बाय आर इंटू डीएक्स टाइम्स ना, तो उतना ही तो ईएमएफ जनरेट होगा, उतनी बार ही तो ये लूप रोटेट होगा, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एन बाय आर इंटू डीएक्स से। ओके, सो अल्फा पाई एक्स स्क्वायर एन बाय आर डीएक्स, बस खत्म। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि मुझे जीरो से लेके कैपिटल आर तक टोटल जो है ईएमएफ चाहिए इस पूरे के अंदर, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो टू कैपिटल आर तक। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहां से अगर अपन देखें तो वैसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, ये यहां पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास अल्फा पाई, और एन भी आ गया, अल्फा पाई एन अपॉन आर, ये तो आ गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, अपर लिमिट कैपिटल आर, सो कैपिटल आर क्यूब बाय थ्री, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये अल्फा भी है, अल्फा डीबी बाई डीटी था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डीबी बाई डीटी डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे देखिए बी नोट तो आएगा आएगा, ये तो कंफर्म ही है ना, ओमेगा भी आ जाएगा शायद मल्टीप्लाई में, और साथ में आ जाएगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा। अब इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो मैक्सिमम वैल्यू यही तो आएगी। अब इस वैल्यू को गौर से देखिए आप, तो बी नोट पाई ओमेगा एन आर क्यूब बाय थ्री आर, आर से एक आर कट कर दो तो आर स्क्वायर बचेगा, फिर अभी इसका मिलान कर लो, थ्री आना चाहिए डिवाइड के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन में थ्री आ रहा है, बाकी चेक कर लीजिए पाई एन आर स्क्वायर, पाई एन आर स्क्वायर भी आ रहा है, बी नोट भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। एट्थ पूछ रहा अपन से, कॉइल ऑफ 100 टर्न्स विद ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 माइक्रो वेबर, ओके, एंड ईच टर्न ऑफ द कॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। देखिए नेट फ्लक्स जो होता है, L की जब भी बात आती है ना, तो एक सिंगल टर्न से फ्लक्स नहीं, टोटल फ्लक्स ही होता है अपन को सभी टर्न से, एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है, सही है। तो 1 माइक्रो वेबर ईच टर्न ऑफ द कॉइल, राइट, तो इसकी फाई की वैल्यू 1 माइक्रो वेबर है, माइक्रो में ही आंसर दे रखा है तो इसको 1 ही लिख देता हूं, सिंपल। नंबर ऑफ टर्न्स अपन को दे रखे हैं 100, और आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पीयर, 5 से इसको डिवाइड कर दो, एल की वैल्यू आ जाएगी जी, इसे कट करोगे कितना आ जाएगा 20, सो करेक्ट आंसर इज 20 माइक्रो हेनरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स आर एट फिक्स्ड लोकेशन when coil 1 has no current and the coil in current in the coil 2 increases at rate of 15 ampere per second, the emf in the coil 1 is 20 millivolt. चलिए दो coil अपने पास, coil number 1, coil number 2, okay, coil number 1, coil number 2 fixed location पे है, इनकी position change नहीं करने वाले, okay। तो ये कह रहा है coil 1 में जब कोई current नहीं है, coil number 2 में अपन current को increase करें इस rate से, तो coil 1 में emf इतना generate हुआ, सीधी सी बात है, mutual induction होगा दोनों के बीच में, तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो अगर मुझे इसमें ईएमएफ चाहिए, वन में ईएमएफ चाहिए, तो ई1 इक्वल्स टू एम डी आई टू बाई डी टी, इस वाली करंट में फ्लक्चुएशन करना है, ईएमएफ इसमें इसके अंदर आएगा, तो एम की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, यहां पर ई1 दे रखा है विच इज 25 मिली वोल्ट, ओके, मिली वोल्ट के अंदर ऑप्शन के अंदर मिली आ रहा है तो इसको रहने देते हैं, सही, एम आ गया, डी आई टू बाई डी टी जो वैल्यू है 15 एम्पीयर पर सेकंड, तो 15 रख दिया इसको, ठीक है, इस रेट से इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो एम बराबर कितना आ गया 25 बाई 15, 5 से कट कर दो तो 5/3 आ जाएगा एम की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन कॉइल 2 हैज नो करंट, ठीक है, कॉइल 2 के अंदर कोई करंट नहीं है, एंड कॉइल 1 हैज ए करंट ऑफ 3.6 एम्पीयर, इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं अपन, द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल 2 इज, ओके, तो कॉइल 2 के अंदर फ्लक्स लिंकेज पूछा टोटल, ध्यान रखना, तो फाइ 2 इज इक्वल टू एम, म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस जो भी है, और करंट किसमें हो जाएगी 1 में, I1, यही तो होता है सिंपल सा रिलेशन, so phi 2 is equal to m की वैल्यू आपके पास है 5/3, एंड I1 कितना दे रखा है यहां पर, I1 is 3.6, कट कर दो इसको, ये 1.2 आ गया, ये आ जाएगा 60, तो जीरो हट जाएगा, तो 6 मिली वेबर जो इसका फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि मिली मैं ऑलरेडी पहले से कंसीडर कर चुका, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 10th question is, time constant of inductor is tau 1 when a pure resistor of R ohm is connected in series with it, the time constant is found to decrease to tau 2, that internal resistance of the inductor is,
तो इसका मतलब इंडक्टर जो आपने शुरुआत में लिया है उस इंडक्टर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है जी, मान लीजिए आर है, ये एल है, टाइम कॉन्स्टेंट ओवन दे रखा है, टाइम कॉन्स्टेंट कितना होता है एल बाय आर, तो ओवन की वैल्यू एल बाय आर है। उसके बाद में आपने आर ओम जो है वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया जी, कर दो जी कनेक्ट, कैपिटल आर तो है ही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी होगा एल भी होगा। अब टाइम कॉन्स्टेंट टो टू है एंड टो टू इक्वल्स टू कितना आएगा एल अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर, बस खत्म। तो यहां पर अपन से पूछा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, एल के टर्म्स में नहीं देना है, तो एल की वैल्यू यहां से टो वन इंटू आर यहां रख दीजिए, तो टो टू आर प्लस स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर दो और एल की वैल्यू रख दो टो वन इंटू स्मॉल आर, बस कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो टो टू इंटू आर तो ये आ गया और ये इधर चला जाएगा, अब डिवाइड में कितना आ जाएगा टो वन माइनस टो टू इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, टो टू आर अपन में टो वन माइनस टो टू विच इज फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए। ए कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी दिस, ए मैग्नेटिक फील्ड वो भी गिवन है एग्जिस्ट इन द रीजन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, देखो ए बी जो रॉड है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ध्यान रखना वेलोसिटी आपको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ई इक्वल्स टू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर डॉट एल वैक्टर, सिंपल ठीक है, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर डॉट एल वैक्टर। अब v क्रॉस b तो अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर v क्रॉस b कितना आएगा, यहाँ पर i माइनस j है, चलो इसको करते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो तो v नॉट तो आ ही जाएगा, है ना, यहाँ पर आया i कैप माइनस j कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप, है ना, डॉट l वेक्टर। अब ध्यान रखना l वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो l वेक्टर जो भी आना है उसमें k कैप नहीं आएगा, है ना, वो उसके अंदर i कैप j कैप वाली टर्म ही आएगी l वेक्टर के अंदर, करेक्ट। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आने वाला है, देखो i का के साथ जो जीरो हो जाएगा, i का j के साथ जो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो k वेक्टर ही आएगा कहीं ना कहीं, j के साथ जीरो हो जाए, j का k i के साथ करेंगे तो भी k वेक्टर ही आएगा, तो इस वाले पार्ट के अंदर k कैप ही आने वाला है और इस वाले पार्ट के अंदर x i कैप एंड j कैप आने वाला है, तो सीधी सी बात ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो, तो ईएमएफ कितना आएगा जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12, एन एयर कोर्ड सोलेनोइड इज ऑफ लेंथ 0.3, ठीक है 0.3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट मिसप्रिंट हो गई, एंड हैज 2500 टन्स अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन, ओके A coil of 350 tons is wound. The solenoid and the coil are electrically insulated from each other. Calculate the EMF induced by the coil if the initial current of 3 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second. Okay. तो अगेन वही सेम चीज है, देखो यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ आपको दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है, टर्न्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सोलेनोइड के अंदर, तो जो सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई विच इज एन बाय एल इन टू आई, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इस सोलेनोइड के सेंट्रल पार्ट के अंदर है ना, यहां पर कहीं ना कहीं आपने कॉइल्स मतलब कुछ टन्स जो है लपेट रखे हैं किसी वायर के जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है इस वाली सोलेनोइड से, अब इसमें पूछा है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं अगेन, तो जैसे इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर था फिर बाद में इधर हो गया, तो सीधी सी बात है ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस होगा इसमें नंबर ऑफ टन्स लेट्स से एन डैश है, तो बताइए कितना आएगा ईएमएफ, ई इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स जो कि टू टाइम्स हो जाएगा, पहले इधर था फिर इधर होगा तो टू टाइम्स हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ ओके एन डैश मैग्नेटिक फील्ड वो आपके पास है यहाँ पर म्यू नॉट एन आई बाय एल, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ठीक है, इनटू एरिया, एरिया हमें दे रखा है गिवन है, ये से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज ऑल्सो गिवन 0.25, ठीक है 0.25 सेकेंड, इसमें खाली कैलकुलेशन है, सारी वैल्यूज अपन रख सकते हैं यहाँ पर, एल आपको गिवन है 0.3 मीटर, एन की वैल्यू 2500 है, एन डैश की वैल्यू 350 है, एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू नॉट अपन जानते ही हैं, एल की वैल्यू सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू 0.25 सेकंड है, सारी वैल्यू रखेंगे अपन तो 12th का जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 एम्पीयर पर सेकंड थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम इज, काफी सिंपल है ये, U इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, तो du बाई dt पूछा अपन से, तो 2i 2 से 2 कट जाएगा एल आई डी आई बाई dt आ जाएगा, ठीक है बाकी तो वैल्यू रखनी है इसके अंदर कुछ नहीं है, L की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पीयर, डी आई बाई dt कितना देगा 4, 4 चौक 16 आ गया, आंसर इज 16 वोल्ट,
करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए वायर इज स्लाइडिंग एज शोन द फिगर, द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर इज, वायर को स्लाइड करवा रहे हैं वी वेलोसिटी से, अपन से पूछा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना है। ठीक है, वी से जब आप इस तरफ मूव कराओगे, मैग्नेटिक अंदर की तरफ है तो इसमें करंट फ्लो होगी, इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ जनरेट होगा, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के कारण इसमें करंट किस तरफ फ्लो होगी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है एरिया बढ़ेगा तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होनी चाहिए ताकि फ्लक्स डिक्रीज हो, है ना, बाहर की अंदर अंदर वाला जो फ्लक्स है ना बढ़ रहा है तो फ्लक्स को काटेगा ये, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। और जब करंट यूं फ्लो होगी तो आई एल क्रॉस बी फोर्स जो लगेगा, आई इधर है, आई इस तरफ है, एल भी इधर ही है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, आई एल क्रॉस बी फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इस तरफ आएगी। और जो फोर्स इस तरफ आएगा तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा इस रोड पे। सो एक्सेलरेशन जो है रोड पर, इस रोड का, रोड का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी किस तरफ, इस तरफ है। एंगल कितना है इन दोनों के बीच, अगर एंगल देखें तो ये देखो ये 30, तो ये वाला एंगल भी 30 आ जाएगा, अब ये वाला एंगल 60 बचेगा, फिर ये 60, तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 180 माइनस 60 120। सो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर एस ऑन द फिगर, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज टेकन स्लोली फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू पीओ क्यू, द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम एज बी इक्वल टू बी नॉट, वेयर बी नॉट इज कांस्टेंट, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू। पी से क्यू तक लेके जा रहे हैं अपन। अब मेन चीज क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ, बी अगर इंक्रीज हो रहा है ना सीधी सी बात है इसमें नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो किस तरफ जनरेट होगा, ताकि ये जो क्रॉस जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना उसको कट करे वो, मतलब ईएमएफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, देखिए सर्कुलेट होगा, इवन ऐसे बाहर भी होगा इस टाइप से, तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, करेक्ट इस टाइप से। अब अगर किसी चार्ज को अपन पी से क्यू लेके जा रहे हैं और वो भी इस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हैं, देखो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पी से क्यू जाना है वाया ओ स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपको, तो अगर इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पाथ के परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्यू ई, तो इस तरफ होगा, यहां पे इस तरफ होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर। सो वर्क डन कितना आएगा, क्यू ई डॉट डी एल ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन बाय अपने 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 कारण वर्क डन जो होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वही वर्क डन जीरो हो जाएगा, ई और डी एल के बीच में एंगल कितना 90 है, सो आंसर इज जीरो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए मेटलिक स्क्वायर लूप एबीसीडी इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन विद वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन द फिगर, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन एडी बट नॉट इन बीसी बट नॉट इन एडी, नाइदर इन एडी नॉर इन बीसी, इन बोथ एडी एंड बीसी। सीधी सी बात है, ये चीज हमेशा माइंड में रखिए आप, नॉन कंजर्वेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन बोलते हैं, वो केवल और केवल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है। ठीक है, आप अगर किसी लूप को या वायर को मूव भी करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वायर को मूव करवाने से मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है, राइट। तो यहां पर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जनरेट नहीं होने वाला, समझाई बात, तो इसमें नाइदर इन एडी नॉर इन बीसी, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 17th, देयर आर टू बैटरीज ए एंड बी हैविंग सेम ईएमएफ, A has no internal resistance and B has some internal resistance. An inductance is connected first to A and the energy in the uniform magnetic field set up inside is U. It is now disconnected from A and reconnected to B. The energy stored in the uniform magnetic field will be. तो पहले तो आपने A से connect किया, ठीक है, और फिर then फिर B से connect करोगे। तो ध्यान देना यहाँ पर EMF दोनों का same है, but A के पास कोई internal resistance नहीं है जी। ठीक है, तो अगर आपने इंडक्टर को ए से कनेक्ट किया है, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर के पास हो सकता है अगर मान लें थोड़ा बहुत भी, ठीक है, लेकिन नहीं भी होना तो इसके अंदर जो करंट है ना वो लीनियरली इंक्रीज होती है, काफी टाइम बाद में देखेंगे ना इसमें करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके अंदर जो एनर्जी है बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर हो सकती है, अगर बहुत लार्ज टाइम अगर अपन कंसिडर करें, ठीक है, वो आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खैर, तो यहां पर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा जनरेट होगी एंड बी हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, बी के पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, बी वाला डायग्राम बना लेते हैं लोग, ईएमएफ सेम है, इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो ऑब्वियसली एक फाइनाइट अमाउंट की करंट फ्लो होगी, व्हिच इज इन स्टेडी स्टेट, व्हिच इज ई बाय आर, इसमें करंट लार्ज अमाउंट की जनरेट होगी,
इसमें करंट कम अमाउंट की जनरेट होगी। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ किसमें एनर्जी जनरेट ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी इंडक्टर में कितनी स्टोर होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। एल तो दोनों का सेम है, एल तो वो सेम इंडक्टर है तो एल तो सेम है, तो सीधी सी बात है आई जिसमें ज्यादा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। सो एन इंडक्टेंस इज कनेक्टेड फर्स्ट टू ए एंड द एनर्जी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड इज यू, इट इज नाउ डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए एंड रीकनेक्टेड टू बी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो ऑब्वियसली बी से ज्वाइन करने पर एनर्जी यू से कम ही स्टोर होगी। तो 17th का कौन सा ऑप्शन के अंदर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑन द फिगर इन विच वन क्वार्टर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय एक्स लिंक्स विद वाई गिविंग अ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन वाई इज यूज्ड एज द प्राइमरी। देखो सीधी सी बात है M12 equals to M21, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है। चाहे आप M12 कैलकुलेट करो चाहे M21 कैलकुलेट करो, M की वैल्यू सेम ही आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। 19th पे आइए। इन द सर्किट द फाइनल करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट इज, ये कह रहा है सर्किट को जब कंप्लीट कर दिया जाए तो फाइनल करंट पूछिए आपसे 30 ओम के अंदर, 30 ओम ये रहा। तो अपन को पता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो इंडक्टर वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का ही नहीं है, करंट जो भी जाने वाली वो ऐसे जाएगी इस तरीके से, तो बाकी कुछ बचा नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट ये खत्म हो गया। 33 वोल्ट तो करंट कितनी जाएगी, 3/30 विच मीन्स 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल चेंजेस विद टाइम एज शोन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। तो फ्लेक्सिबल सर्कल है, ठीक है, और अपन को टाइम इंटरवल दे रखा है। देखो ये कह रहा है कि जब टी की वैल्यू टी नोट से कम होना, टी की वैल्यू जब टी नोट से कम हो तब रेडियस की वैल्यू आर बराबर आर नोट है, फिक्स रेडियस है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है ना, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है ईएमएफ कितना जनरेट होगा, जीरो। तो जीरो होना चाहिए टी नोट टाइम तक, तो जीरो किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया, बाकी इन दोनों में आ रहा है तो इनको देखते हैं आगे। फिर उसके बाद में टी नोट से टू टी नोट की बात करें तो रेडियस आर नोट प्लस टी है, देख लेते हैं जी। तो फ्लक्स कितना आएगा, बी इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर आर नोट प्लस टी का होल स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स। इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, कर लेते हैं माइनस साइन, इसमें माइनस में नहीं शो कर रखा तो सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड पूछा है ना, माइनस अगर माइनस में दे रखा हो देन माइनस वाले को चूज करना है, सारे पॉजिटिव में दे रखे तो मॉड्यूलस ले रखा है इसमें। तो वैल्यू देख लेते हैं, बी पाए इसका डिफरेंशिएशन करो टू, ये आ जाएगा आर नॉट प्लस टी, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद एंड फर्दर अंदर करेंगे तो आर नॉट का जीरो टी का वन हो गया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, अगर यहां से गौर से देखो टी बराबर टी नॉट रखूं, टी बराबर टी नॉट रखूं तो सीधी सी बात है बी की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू जीरो नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, उसके बाद में टाइम के साथ लीनियरली ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली ये तो गलत हो गया, ये कांस्टेंट ये गलत हो जाएगा, इसमें तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ये भी गलत हो गया, इसमें यहां से देखिए टी बराबर टी नॉट से यहां से जैसे स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए, इन द सर्किट शोन द स्विच K2 इज ओपनड एंड K1 इज क्लोज्ड फॉर सम टाइम, नाउ स्विच K1 इज ओपनड एंड स्विच K2 इज साइमल्टेनियसली क्लोज्ड, द वेरिएशन ऑफ द इंडक्टर करंट विद टाइम इज, इंडक्टर से जो करंट फ्लो रही है उसका टाइम के साथ ग्राफ देखना है अपन को। पहले क्या कह रहा है ये जो ग्राफ दे रखा है, देखो टी नोट टाइम बाद में, टी नोट टाइम तक तो ये कह रहा है कि करंट जीरो है एंड देन फिर कांस्टेंट हुई, इसमें शुरू से ऐसा दे रखा है एंड देन फिर वापस जीरो हो गई, इसमें टी नोट तक पहले इंक्रीज होगा एंड देन फिर डिक्रीज होगा, तो इनके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है। इसका मतलब शुरुआत में K2 तो ओपन है और K1 को क्लोज कर रखा है, ये ध्यान रखना, और सेल एंड इंडक्टर आर आइडियल, मतलब यहां इस वाले ब्रांच के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं और ये वाला तो ओपन ही है, ये वाला तो बाहर ही है अभी सर्किट से। तो एल और आई के बीच में बात करें अपन, जैसे इसकी को क्लोज करेंगे ना अपन, तो L के क्रॉस जो EMF जनरेट होगा विच इज L di/dt बराबर E जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें तो देखिए di इज इक्वल टू E/L(dt) इंटीग्रेट करें तो t बराबर 0 पे करंट 0 थी, ठीक है 0 0, t बराबर t पर मान लीजिए करंट कुछ भी मान लेते हैं I है, तो di का I हो जाएगा एंड I इक्वल टू E/L(t) आ गया। तो टाइम के साथ करंट लीनियरली इंक्रीज होगी, लीनियरली, ओके, तो लीनियरली इंक्रीज ना तो यहां पे दिख रहा है अपन को ये डिक्रीज हो रहा है, ना यहां दिख रहा है, इसमें जरूर मिल रहा है और इसमें लीनियरली नहीं है, ग्राफ में ही पता लग रहा है एक्सपोनेंशियली जो है
स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि नहीं है, जो कि गलत है। रेजिस्टेंस होता तो उस केस में इसको अपन कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन यही मान के चलेंगे लीनियरली इंक्रीज होगा। एंड देन उसके बाद में आपने क्या किया, K1 को ओपन कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया, तो दो जो भी इंडक्टर की जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म जो एनर्जी स्टोर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसमें वापस पास होगी, ठीक है, करंट पास होगी इसके अंदर से, एंड देन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता हुआ फाइनली जो है करंट जीरो हो जाएगी। तो LR सर्किट तो जो डीके वाला जो केस है ना, उस केस में तो एक्सपोनेंशियल डीके होता है, तो ये वाला ग्राफ फाइनली जो है थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 22, इफ डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए एम्पीयर इज सुपरइम्पोज्ड ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी फ्लोइंग थ्रू ए वायर, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इज। रिजल्टिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू पूछी, सीधी सी बात है डीसी करंट है एसी करंट है, इनको सुपरइम्पोज कर दिया तो नेट करंट कितना जाएगा, आई इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब आपसे इफेक्टिव करंट पूछी है, विच मीन्स आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, तो इसका आरएमएस के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर वाला पार्ट आएगा, इनटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में टू ए बी साइन ओमेगा टी। सबसे पहले स्क्वेयरिंग करते हैं, फिर मीन वैल्यू निकालते हैं अपन, मीन वैल्यू निकाले तो कॉन्स्टेंट की मीन वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0। ये मीन वैल्यू ले ली मैंने, सबसे पहले क्या किया स्क्वायरिंग किया, फिर मीन वैल्यू, एंड देन फिर अंडर रूट करना होता है आरएमएस के लिए, अंडर रूट करोगे तो ये आपके पास इफेक्टिव करंट या आरएमएस करंट आ जाएगी, विच इज सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, इन द सर्किट करंट थ्रू सोर्स विल बी, तो सोर्स से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी होगी, कॉस इनवर्स 0.6 की वैल्यू 53 डिग्री दे रखी है आपको, एक्सएल गिवन है, आर गिवन है, एंड वोल्टेज ध्यान से देख लेना, इसमें 10 + 10 रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस 45 डिग्री, यहां ध्यान देना ये डीसी है ना, मतलब कॉन्स्टेंट सप्लाई मिल रही है यहां से, और एक वेरिंग, तो आप इंडिविजुअली इनको डील कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, एक तो अगर आपने कॉन्स्टेंट वोल्टेज अगर यहां पर कनेक्ट कर दें 10 वोल्ट का, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये जो भी है ये इंडक्टर का सिंबल ये है ऐसा है, चलो चलता है इतना, तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है और ये 10 है, तो 10/30 अगर मैं करूं तो जो करंट है स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर वो कितना आएगा 1/3 एम्पियर। तो ये तो आ गई डीसी के अकॉर्डिंग, अब बात करते हैं एसी के अकॉर्डिंग। अब एसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 10√2 पीक वैल्यू है, तो 10√2 पीक वैल्यू आ गया अपॉन इंपीडेंस, सीधी सी बात है इंपीडेंस जेड की, जेड को डिवाइड करेंगे तो एक्सएल 40 है आर 30 है, तो जेड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज 50, 30 40 का 50 आएगा, साइन एज इट इज 100 पाई टी है ना प्लस में 45, यहां तक तो आ गया। अब क्या करना है, देखो एक्सएल अगर है मतलब इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करता है, तो करंट डेफिनेटली लैग करेगी, कितना लैग करेगी माइनस 10 इनवर्स आ जाएगा एक्सएल बाय आर, बस इसको थोड़ा सिंपल कर लें अपने, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, तो 1/3 प्लस √2/5 यहां जाएगा साइन 100 पाई टी, ये आ जाएगा प्लस का 45 और 10 इनवर्स एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू अपने पास 40 है और ये आर की वैल्यू 30 है, तो 40/30 मतलब 4/3, 10 इनवर्स 4/3 कितना होता है, 10 इनवर्स 4/3 होता है 53, तो प्लस का 45 और माइनस का 53, 45 माइनस 53 कितना होता है माइनस का 8, तो माइनस का 8 आना चाहिए इस वाले पार्ट के अंदर, बाकी सारा कुछ परफेक्ट है। इनमें ऑप्शंस में अगर देखें अपन तो 98 वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, माइनस 8 ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 3 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, इन द सीरीज सर्किट ऑन द फिगर द वोल्टमीटर रीडिंग विल बी, ऑल द मीटर्स आर आइडियल, वोल्टमीटर की रीडिंग आपसे पूछी है, बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे भी गए हैं पूछे भी जाते हैं। देखिए एल और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है इक्वल है, अगर आपको आरएल से सीरीज सर्किट के अंदर ये ऐसा नजर आ रहा है एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल है, दैट मीन्स ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में ये भी ध्यान रखना इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, पहली बात तो मतलब वोल्टेज बराबर होता है, और उसके अलावा इन दोनों के अक्रॉस अगर देखें ना तो वोल्टेज जो है वो जीरो मिलता है अपन को, एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं ना, तो आई इंटू एक्सएल और आई एक्सी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो इफेक्टिव वोल्टेज इन दोनों के बीच में जीरो होता है, तो इसका मतलब आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना डायरेक्टली सोर्स वोल्टेज होता है,
सोर्स वोल्टेज कितना है 200 है ना, तो V जो R के क्रॉस जो वोल्ट मीटर लग रहा है ना उसकी रीडिंग आएगी 200 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 25th, इन द सर्किट डायग्राम शोन XC इज 100 ओम, XL इज 200 ओम एंड R इक्वल्स टू 100 ओम, लिख लेता हूं मैं, XC इज 100 ओम एंड XL इज 200 ओम एंड R इज 100 ओम, द इफेक्टिव करंट थ्रू द सोर्सेस, मतलब इसमें से सोर्स में से जो करंट पास हो रही है उस करंट की वैल्यू पूछिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं आर के क्रॉस 200 है या 100 है, तो इसमें से करंट कितनी पास होगी 2 एम्पियर, खत्म। और ये भी पता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो भी फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है, तो इस वाली करंट का फेज डिफरेंस वोल्टेज के साथ क्या जीरो है, ठीक है। अब इस वाले में चलते हैं, चलो एक्सएल की वैल्यू 200 और एक्ससी की वैल्यू 100 है यहां पर, तो इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी जो आएगा यहां पर वो 100 के बराबर आ गया, इस ब्रांच का जो इंपीडेंस है वो 100 के इक्वल है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है जो करंट है वो इस वोल्टेज से, इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट है वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग करेगी, वोल्टेज आगे होना चाहिए, एक्सएल ज्यादा ना तो वोल्टेज आगे होना चाहिए, तो सीधी सी बात है करंट लैग करेगी, तो करंट कितना लैग करेगी पाई बाय 2, और करंट की वैल्यू कितनी है, इंपीडेंस तो 100 है इसका, ये भी 200 है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है 200 बाय इंपीडेंस इज 100, तो विच इज अगेन 2, तो इसमें भी 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये वाला 2 और ये वाले 2 की बात करें इनके बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 है, ये वाली तो इस वोल्टेज से सेम फेज में, लेकिन ये वाली जो करंट है इस वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल लैग कर रही है, तो अब इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट आएगी वो करंट कितनी होनी चाहिए, ये वाली तो 2 एम्पीयर है, ये वाली भी 2 एम्पीयर है, तो बस इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2, है ना, तो इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट आने वाली है विच इज 2√2, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 26th पे आइए, आइए, एन इंडक्टर XL 2 ओम, एक कैपेसिटर XC इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स, द वोल्टेज आउट ऑफ द एसी सोर्स इज गिवन बाय V इक्वल्स टू 100 cos pi t, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम सोर्स इज 0 विल बी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि जो सोर्स दे रखा है अपन को इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, V बराबर 100 cos pi t, cos 100 pi t, तो ये वैल्यू है V की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब इसकी वैल्यू जीरो होगी ना, सोर्स की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जब जीरो होगी, तो उस इंस्टेंट पर ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छी बात है। और इसकी वैल्यू जीरो अगर अपन लें यहां पर, तो 100 पाई टी की वैल्यू कंफर्म है पाई बाय 2 होनी चाहिए, 90 डिग्री कह दें अगर अपन, तो अगर ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली अपन ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 90 डिग्री में बाद में रख सकता हूं, ठीक है, 270 भी रख सकते हैं अपन चाहें तो, चलो बाद में देखते हैं इसको, खैर इसकी वैल्यू बाद में रखेंगे अपन। खैर V की इक्वेशन आपके पास ये है, सबसे पहले मैं A और B के बीच में इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ वोल्टेज की, वोल्टेज क्या आएगा, तो देखिए आपके पास XL है, XC है, R भी है, तो इस पूरी ब्रांच का अगर मैं इंपीडेंस कैलकुलेट करूं तो इंपीडेंस कितना आएगा, Z इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास R स्क्वायर, है ना, R की वैल्यू आपके पास 8 दे रखी है, तो अंडर रूट में ये 8 का स्क्वायर, और XL 2 है, XC 8 है, तो 2 माइनस 8 6, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 6 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 ओम आएगी, तो Z की वैल्यू 10 ओम है, ध्यान रखना XC जो ज्यादा है इसका मतलब जो करंट है वो लीड करेगी वोल्टेज को, तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, उस करंट को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू, एक तो I आएगा वोल्टेज की पीक वैल्यू अपने पास 10 है ना, तो 10 रख दो, 10 बाय Z, Z की वैल्यू भी 10 है, और इक्वेशन एज इट इज रख दो cos 100 पाई टी, और ध्यान रखना करंट जो है वो लीड करेगी अब, ठीक है, क्योंकि एक्स ही ज्यादा, अब कितना लीड करेगी प्लस 10 इनवर्स, यहां आ जाएगा अपने पास XL माइनस X, XL माइनस X जो कि अपने पास माइनस 6 था, तो ऑब्वियसली करंट लीड करेगी, तो उस केस में 6 बाय 10 इनवर्स यहां आ जाएगा ना इफेक्टिव वैल्यू 6 बाय ये आ जाएगा R विच इज 8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो 10 इनवर्स 6 बाय 8 जो है वो अगर अपन देखें तो कितना आएगा 3 या 4, 10 इनवर्स 3 बाय 4 अपन जानते हैं कितना होता है, ये होता है 37 डिग्री, तो इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डिग्री के अंदर 37 डिग्री, है ना, तो करंट ये लीड कर जाएगी, तो ये करंट की वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई करंट की। अब हमसे पूछा है ए और बी के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना आएगा ए और बी के क्रॉस, तो अब ध्यान देना जो करंट पास हो रही है ए और बी के क्रॉस वो इतनी वाली करंट है। अब इस इन दोनों में अगर अपन बात करें तो वोल्टेज कितना आएगा वी ए माइनस वी बी की अगर अपन बात करें तो कितना आना चाहिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, सबसे पहले करंट, करंट की पीक वैल्यू कितनी आएगी 0 0 कट गया 1 है ना, करंट की पीक वैल्यू 1 है, 1 इंटू में जेड,
जेड इन दोनों का जो जेड आएगा वो कितना आएगा, 8 माइनस 2 6, तो 6 इंटू 1 आ गया, ये तो आ गया पीक वैल्यू वोल्टेज की, राइट। और करंट की जो इक्वेशन है वो रख देता हूं मैं यहां पर, कोस 100 पाई टी प्लस में 37, इतना तो था अपने पास, राइट। अब देखना है कि वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा या लैग करेगा करंट को। अगेन एक्सएल जो है एक्सी से कम है, तो करंट से वोल्टेज जो है वो लैग करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। करंट आगे होनी चाहिए वोल्टेज से, और करंट की इक्वेशन ये अपने पास, और कितना आगे होनी चाहिए, सीधी सी बात है पाई बाई टू, तो इसका मतलब वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे पीछे रहना चाहिए इससे, तो माइनस का 90 डिग्री यहां पे मैं लिख सकता हूं। हो गया जी, यहां तक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं चला यहां तक। अब ये वैल्यू आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ चुकी है वोल्टेज की। अब हमसे पूछा है जब इस V की वैल्यू जो है ना ये जीरो हो, जीरो होने का मतलब ये 90 रख सकता हूं 100 पाई टी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 90 रखूं तो ये 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, केवल 37 बचेगा। और अगर 37 यहां पे बचा तो सीधी सी बात है cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 इज इक्वल टू 4/5, 4/5 होता है, और 6×24/5 24/5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन ठीक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। पे आइए। ए पावर ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू स्टेप अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट टू ट्रांसमिट 4.4 किलो वोल्ट ऑफ पावर इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। देखिए ये ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, ठीक है, ईएमएफ को आपने किस में कन्वर्ट करना है, 220 से 11 किलो वोल्ट है ना, और पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है 4.4 किलो वोल्ट, केवी है, ये भी केवी है। इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स, इसमें 1000 टर्न्स है, आपसे पूछे व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इस वाली में करंट अपन से पूछी है। तो पहली बात तो सिंपल सी है, अपन को अगर दे नहीं रखा ट्रांसफॉर्मर का तो हम आइडियल ही कंसीडर करेंगे, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर कंसीडर करें तो सीधी सी बात है आउटपुट वोल्टेज अपने पास कितना 11000 है, और आउटपुट पावर कितनी है, पावर इनपुट आउटपुट दोनों सेम ही है, 4.4 किलो वोल्ट है, ठीक है। तो 4.4 ये तो पावर आगे किलो के अंदर है, पी बराबर वी इंटू आई होगा, वी जो है वो 11000 के वी है, तो 11 से डिवाइड कर दो इंटू करंट, ये करंट किस में आ जाएगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो आएगी, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 11 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1 एम्पियर जो है इसका, सॉरी 0.4 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 28th, इन द फिगर बिलो ZL इक्वल्स टू ZC एंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 1 एम्पियर, फाइंड वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज V। ओके, तो ये देखिए ZL और ZC जो बराबर कर दिए यहां पर, तो इसका मतलब इसका तो इफेक्टिव कितना हो गया, जीरो हो गया, खत्म है ना, तो XL और XC, XL माइनस XC जो है वो खत्म हो गया यहां पर। अब खाली क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। अब हमसे पूछा है बकायदा कि V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पर, ये देखिए केवल XL बचा, R बचा, चलो XL, XL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, L की वैल्यू दे रखी, तो XL क्या होगा, एक्सेल आ जाएगा अपने पास, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 हर्ट्ज, तो 2πf × L, 2πf फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 30, और L की वैल्यू 1/π, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आ गया 60 ओम, तो XL की वैल्यू 60 ओम आ चुकी है और R की वैल्यू 80 ओम है, तो इस वाले सर्किट का जो Z आएगा वो आ जाएगा अपने पास 80² + 60² का √ विच इज 100, इंपीडेंस 100 आ गया इसका 100 ओम। और V की वैल्यू हमसे पूछी है, तो V बराबर क्या आएगा, एमीटर जो है वो RMS वैल्यू को रीड करता है, तो और वोल्टेज भी हमें RMS में ही बताना होता है, तो VRMS इक्वल्स टू IRMS, IRMS इज इक्वल टू 1 एम्पियर, राइट, सो 1 × Z विच इज 100, सो आंसर इज 100 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 29th, आइए, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शोन द फिगर इज, सर्किट का पावर फैक्टर हमें बताना है। देखिए XL गिवन है, XC गिवन है, और XL माइनस XC अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है 20 और 40, ये 60 आ गया, बस खत्म। पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z, ये R है, ये Z है, ये XL माइनस XC जो इफेक्टिव कितना आया, 80 आया अपने पास, और ये कितना आया, R = 60 आ गया, बाकी कुछ नहीं है, तो ये 80, ये 60, 80, तो ये कितना आएगा 100, तो R/Z कितना आया 60/100, विच मीन्स 0.6, तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आइए 30th क्वेश्चन जो है, इन एन LCR सीरीज सर्किट द करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू
capital I cos omega t. The voltage amplitude of the resistor, inductor and the capacitor VR, VL, VC respectively. ठीक है, तो सबसे पहले करंट को लिख देते हैं अपन, I इक्वल्स टू कितना है, कैपिटल I cos omega t. और वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है इंडक्टर कैपेसिटर इनके लिए दे रखा है हमको, इंडक्टर के लिए कितना दे रखा है रेजिस्टर के लिए VR, इंडक्टर के लिए VL और कैपेसिटर के लिए VC. ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, ये ध्यान रखना आपको. ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा है द इंस्टेंटेनियस पावर इन टू द रेजिस्टर इज, इंस्टेंटेनियस पावर इन टू द इंडक्टर इज, इंडक्टर के लिए पूछा है, कैपेसिटर के लिए भी पूछा है, टोटल भी पूछा है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको. नेक्स्ट पेज पे आइए, करंट आपको दे रखी है यहां पर. सबसे पहले मैं रेजिस्टर की अगर बात करूं तो रेजिस्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है. ठीक है, तो पावर क्या होती है, पावर की अगर अपन बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो वी इंटू आई होता है सिंपल. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, सीधी सी बात है, जब करंट इतना है तो हमें पता फेज डिफरेंस नहीं होता, तो वोल्टेज कितना आएगा इसके अक्रॉस, वी आर पीक वैल्यू है तो, है ना, इंटू में सेम फंक्शन कोस ओमेगा टी, ताकि फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना दोनों के बीच में, तो फेज डिफरेंस नहीं होगा तभी तो यही तो कंडीशन आएगी, तो वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई, करंट की वैल्यू भी आ गई, दोनों मल्टीप्लाई तो करना है, तो वी आर इंटू आई, ये कोस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये चेक करना है अपन को. अब इंडक्टर की बात कर लेते हैं, आज इंडक्टर में बात करें तो वोल्टेज पीक वैल्यू वी एल है, तो वी एल ये लो, करंट की इक्वेशन जो भी है वो एच डी रख दो, कोस ओमेगा टी. अब ये ध्यान रखना है अपन को, करंट जो है वो लैग करती है, ठीक है, वोल्टेज से, तो वोल्टेज आगे होना चाहिए, तो प्लस का पाई बाई टू हो जाएगा, आगे होगा तभी तो वो लीड करेगा, पाई बाई टू हो गया. तो यहां से अगेन पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करो, इसको मल्टीप्लाई करना आई से, तो वी एल इंटू आई, अब वो कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, करेक्ट, ये पावर आ गई. और अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर कितना आएगा, कैपेसिटर फर्क यहाँ पर माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा, तो कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की बात करें, सीधी सी बात है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो उसको आप प्लस के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस के अंदर आएगी. तो बस कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर वी सी इंटू आई साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी हो जाएगा, बस ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, वो प्लस में रहेगा, राइट. और अगर अपन से सर्किट के लिए पूरे के लिए इंस्टेंटेनियस पावर पूछे तो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, राइट, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली सम कर सकते हैं अपन, तीनों का सम कर दो वो टोटल पावर आ जाएगी इंस्टेंटेनियस, वो भी ध्यान रखना. तो चलिए देखते हैं, सॉरी, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू द रेजिस्टर इज वी आर आई कोस स्क्वायर ओमेगा टी, देखो यही कैलकुलेट किया हमने, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. इंस्टेंटेनियस पावर इनटू द इंडक्टर इज माइनस वी एल आई साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, देखो यही सेम कैलकुलेट किया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है. थर्ड की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू द कैपेसिटर इज वी सी आई साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये भी करेक्ट है. पी आर पी एल पी सी सम है, इक्वल्स टोटल पावर पी सप्लाइड बाय द सोर्स एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी सही है. तो ए बी सी डी है ना, ऑल आर करेक्ट. चूज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. तो ये जो सर्किट आपको दे रखा है तो उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी अपन चेंज करेंगे ना. एक्स सी अपन सब लोग जानते हैं वन ओवर ओमेगा सी होता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं तो सीधी सी बात है एक्स सी इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर सी मैं इन्फिनिटी रख दूं तो सीधी सी बात है एक्स सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो एक्स सी की वैल्यू इन्फिनिटी से जीरो पे जा रही है. तो देखते हैं बाकी स्टेटमेंट, देखते हैं. करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस टू जीरो. देखो भैया, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होने वाली है आई इक्वल्स टू, वो कितनी होगी, वी आर एम एस सोर्स वोल्टेज अपॉन जेड. और जेड की बात करें वो कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर. ये आया, ये जेड की वैल्यू आ गई. अब अगर इनिशियली देखूं मैं तो एक्ससी की वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटी रखोगे तो आई की वैल्यू डेफिनेटली जीरो हो जाएगी. तो जैसे से आप सी को इंक्रीज करोगे तो एक्ससी की वैल्यू डाउन होगी, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू जो है बढ़ेगी फिर. तो जीरो से तो बढ़ रही है, सीधी सी बात है. उसके बाद में अगर हमने सी की वैल्यू काफी लार्ज कर दी, देखो अगर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि एक्ससी की वैल्यू एक्सएल के बराबर भी होगी, और जब एक्ससी और एक्सएल दोनों बराबर होंगे तो उस केस में ये वाला पार्ट जीरो जाएगा, तो उस केस में आई की वैल्यू कितनी है, वी बाय आर. क्योंकि इस वाले पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है, अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो आर हो सकती है, और मिनिमम आर अगर होगा तो आई मैक्सिमम वी बाय आर ही होगा. और उसके बाद में अगर आप उसको इंक्रीज करोगे, फर्दर इंक्रीज करोगे, तो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, डाउन होने लग जाएगी. और जब एक्ससी की वैल्यू जीरो हो जाएगी परफेक्टली, एक्ससी अगर जीरो हो गया तो उस केस में ये वाली वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब आई की वैल्यू जीरो नहीं होगी,
है ना, तो फर्स्ट कह रहा है कि जीरो टू मैक्सिमम बढ़ रहा है, ठीक है अच्छी बात है मैक्सिमम होगा, लेकिन देन डिक्रीजेस टू जीरो, ये गलत है, जीरो पे नहीं जाने वाला, ये समझ में आ गई बात, तो जीरो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का इनकरेक्ट हो गया। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड इट विल बी मैक्सिमम व्हेन आई एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। देखो वोल्टमीटर यहां लग रहा है, ये देखो ये कह रहा है वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्टमीटर भैया सीधी सी बात है आर एक्सएल पे डिपेंड करेगा, करेगा इसका इंपीडेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर, आर और एक्सएल पे, इनको अपन बदल नहीं रहे ना, फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, इसका जो इंपीडेंस जेड है वो चेंज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो कंप्लीटली करंट पे डिपेंड करेगी, करंट बढ़ेगी तो रीडिंग बढ़ेगी, करंट घटेगी तो रीडिंग भी घटेगी। तो करंट की बात करें तो करंट बढ़ेगी शुरुआत में, ठीक है शुरुआत में बढ़ेगी, पहले तो क्या होगी जीरो होगी करंट, तो शुरुआत में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो रीडिंग है वोल्टमीटर की वो बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी वी बाय आर पे, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होंगे तो उस समय वोल्टमीटर की रीडिंग भी मैक्सिमम होगी, उसके बाद वापस करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है उसके बाद वापस करंट की वैल्यू जो डिक्रीज होने लग जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट इंक्रीज एंड इट विल बी मैक्सिमम एट व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड देख लेते पावर फैक्टर ऑफ द बॉक्स वन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, भैया पावर फैक्टर इस बॉक्स की बात करें तो पावर फैक्टर कितना आएगा इसका आर बाय जेड, और इसका जो जेड वो फिक्स है, पावर फैक्टर तो इसका फिक्स हो गया, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना एक्सएल चेंज कर रहे हैं अपन, तो भैया ये चेंज नहीं होगा, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ की बात करें रीडिंग द वोल्टमीटर फर्स्ट डिक्रीज एंड इट विल बी मिनिमम व्हेन एक्सएल, ये तो गलती हो गया, ये सेकंड का एकदम जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये जो सेकंड ऑप्शन इसका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 32 A resistor is R is connected in series with a coil. The system is subjected to an AC supply of peak voltage V0. Okay, if the peak voltage dropped across the resistor R and the coil R V1 and V2 respectively, ठीक है, then power dissipated in the coil is V0 square minus V1 square minus V2 square by 4R. Power dissipated in the circuit is V0 square plus V1 square minus V2 square upon में 4R. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, हमसे पावर डिसिपेशन पूछा है। इस कॉइल की बात करें, अब इस कॉइल का जो एक्सएल है वो हमें दे नहीं रखा, इसका आर भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दे रखा कॉइल का, ठीक है, और पावर डिसिपेशन पूछा है कॉइल के लिए और सर्किट के लिए भी पूछा है, ठीक है, तो फेज डायग्राम बना करके डील करते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात ये दे रखी है अपन को कि आर के क्रॉस पीक वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की वी1, तो अगर आर के और इन तीनों में करंट सेम जाने वाली है तो जो इस पूरे सर्किट में जो करंट जाएगी वो सेम करंट इस आर में जा रही है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी इस सर्किट में, करंट की वैल्यू आएगी आई इक्वल्स टू वी वन बाय आर, ये करंट की पीक वैल्यू ध्यान रखना क्योंकि ये पीक वैल्यू दे रही है अपन को, वी वन आरएमएस वैल्यू नहीं है पीक वैल्यू है, तो वी वन बाय आर जो है वो करंट फ्लो करेगी इस सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं इस कॉइल के लिए, इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ऑफ वी टू है, ठीक है जी, तो इसमें पावर कंजप्शन कितना होगा कॉइल के अंदर, पावर कंजप्शन की वैल्यू अगर अपन देखें यहां पर तो कितना आता है वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू कॉस फाई, पावर फैक्टर वी आर एम एस इसका कितना आएगा वी टू बाई रूट टू, आई आर एम एस कितना है आई तो ये फ्लो कर रही है वी वन बाय आर बाई रूट टू इंटू कोस फाइव, कोस फाइव इस कॉइल का पावर फैक्टर, ठीक है कोस फाइव इस कॉइल का पावर फैक्टर कोस फाइव लिख देते हैं। चलो अब कोस फाइव की वैल्यू नहीं पता, चलिए देखते हैं। ऐसे अगर पूरे सर्किट की बात करेंगे तो पूरे सर्किट के लिए वी नोट लगा हुआ है तो वी नोट आ जाएगा, है ना वोल्टेज पीक वैल्यू, लेकिन वी नोट बाई रूट टू आर एम एस वैल्यू इंटू में करंट, करंट की वैल्यू अपन को पता ही है वी वन बाय आर आ जाएगा बाय रूट टू, ये करंट आ गई, और इस पूरे सर्किट का जो पावर फैक्टर है उसको भी लिखना पड़ेगा, तो इसको कोस फाई वन लिख देते हैं, इसको कोस फाई टू, ये पावर फैक्टर है, तो ये पावर कंजप्शन आएगा, तो इनको चेक करना पड़ेगा कोस फाई वन कोस फाई टू कितना है। तो देखिए एक चीज देखते हैं अपन, आर के क्रॉस एक्सएल के क्रॉस और स्मॉल आर के क्रॉस, इन सबके क्रॉस में वोल्टेज कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेता हूं, इसके क्रॉस में लेट से वी एल मान लेता हूं, इसके क्रॉस वी आर मान लेता हूं, और पूरे का क्रॉस वी टू है और टोटल के क्रॉस कितना वी नोट है, तो शायद कुछ ना कुछ अपन को हिंट मिल जाए, देखते हैं आ जाइए। तो देखो जो कैपिटल आर था ना, कैपिटल आर के क्रॉस कितना था ड्रॉप वी वन, रेजिस्टेंस में तो करंट सेम होगा ना, सेम फेज के अंदर होगा, फिर बाद में इंडक्टर आया था, इंडक्टर को छोड़ो एक बार, रेजिस्टेंस के लोग अगले वाले को, इसके क्रॉस कितना मान लेता हूं वी आर, इंडक्टर के क्रॉस अपन को पता है कितना है वी एल, मतलब ये भी लेट किया मैंने इवन, और वी आर और वी एल जो केवल और केवल जो इंडक्टर था उसका ये डायग्राम मैंने बनाया है फेज डायग्राम, अब इसमें जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ये वी टू को बताएगी, ठीक है, और जो टोटल है पूरे सर्किट के क्रॉस वो ये वाला जाएगा विच इज वी नॉट, सही है, तो कोस फाई वन जो लिया है ना वो ये वाला होगा फाई वन, और फाई टू जो लिया है ये वाला हो जाएगा सर्किट का, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें, चूंकि अपन को वी एल नहीं पता, कोस फाई वन की वैल्यू रखनी है यहां पर, तो वी एल को हटाना पड़ेगा, अब यहां से कोस फाई की वैल्यू में देखूं सर्किट इस कॉइल के लिए बात करूं तो कितना आएगा ये वी वन वी टू अपॉन में टू आर आ गया, और कोस फाई वन की बात करें कोस फाई वन आ जाएगा वी आर अपॉन में वी टू,
वी आर अपॉन में वी टू, वी टू से वी टू कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वी वन वी आर बाय टू आर। ये पावर डिसिपेशन आएगा किसके अंदर, कॉइल के अंदर। अब वी वन वी आर की वैल्यू नहीं पता अपन को, तो इस ट्रायंगल से अपन देख सकते हैं, देखो वी एल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वी टू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें इसमें अगेन वी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन प्लस वी आर का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, वी टू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस टू वी वन वी आर। अब यहां से देखिए ये वी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और फर्दर अगर अपन देखें टू वी वन वी आर है नेगेटिव का, इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये आया वी टू स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस का वी टू स्क्वायर, एंड ये इधर की तरफ पॉजिटिव हो गया, डिवाइड में टू ले आओ, ये आ गई अपने पास वी वन वी आर की वैल्यू। सो वी वन वी आर इज वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ये देखो ये आ रहा है अपने पास, इसमें बस टू आर को डिवाइड करना है। सो आंसर इज वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाय फोर आर, ये पावर डिसिपेशन आ जाएगा कॉइल के लिए। और अगर अपन को पूरे सर्किट के लिए बात करने तो कोस फाई टू निकालना पड़ेगा, कोस फाई टू यहां से देखो साफ समझ आ रहा है वी वन प्लस वी आर अपॉन में वी नॉट, इसको भी रख दो तो वी नॉट वी वन अपॉन में टू आर, और यहां वैल्यू आ जाएगी वी वन प्लस वी आर अपॉन में वी नॉट, करेक्ट। अब वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी वन स्क्वायर प्लस वी वन वी आर अपॉन में टू कैपिटल आर आ गया। अब वी वन वी आर की जो वैल्यू है ये वाली है, देखो ये वाली, अब इसको यहां पे रख देते हैं अपन, रखें तो फाइनल वैल्यू देखो कितनी आएगी, v1 वन स्क्वायर प्लस वी वन वी आर की वैल्यू आ जाएगी यहां पर अपने पास v0 नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन में टू, और ये डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 2r। लो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2v1 वी वन स्क्वायर और ये माइनस का v1 वन स्क्वायर तो प्लस का v1 वन स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, बाकी 4r आर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी v0 नॉट स्क्वायर प्लस v1 वन स्क्वायर माइनस v2 टू स्क्वायर अपॉन में 4r। ये सर्किट में पावर डिसिपेशन आ जाएगा और वो कॉइल के अंदर था पावर डिसिपेशन। चलो चेक करते हैं, देखिए तो ये कह रहा है पावर डिसिपेशन इन कॉइल इज वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन फोर आर, यही वैल्यू आ रही है देखो, इसको तो सही है। पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन फोर आर, ये भी सही आ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों ही करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। In the circuit shown figure, if both the lamps L1 and L2 are identical, then L1 and L2 identical होने का मतलब क्या हुआ? दोनों का resistance बराबर है। 500 microfarad है, 10 milli henry जो भी है इसका inductance है, बाकी voltage दे रखा है 500 hertz दे रखा है अपन को। Their brightness will be same, ये कह रहा है सबसे पहले brightness same है क्या? तो वो तो पता लग जाएगा अपन को Z से impedance से। देखो 200 volt है frequency आपको दे रखी है, ये 500 microfarad सबसे पहले अपन XC calculate करते हैं, XC बराबर आ जाएगा 1 over ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन 2 पाई एफ सी, एफ कितना है 500, सी कितना है 500 माइक्रो, तो 10 टू द पावर 6 आ गया ऊपर, तो ये 0 0 0 0 तो ये 4 0 तो कट गए तो 2 ही बचा, तो 100 आ गया ना ऊपर, ये 100 आ जाएगा, ये कितना है 25, 4 2 से 2 गया तो 2 बाई पाई ओम आ गया इसका रिएक्टेंस, ठीक है। बाकी इसका रेजिस्टेंस आर है ही खैर यहाँ पर, अब इसका देख लेते हैं। चलो आओ इसकी अगर अपन बात करें तो 10 मिली हेनरी है, एक्सएल बराबर, तो एक्सएल कितना आएगा ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, एफ की वैल्यू अगेन 500, एल की वैल्यू कितनी 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ये 0 0 0 0 ये कट गया इससे 5 10 10 पाई आया। देखो एक्सएल की वैल्यू जो है वो एक्सी के कंपेटिवली ज्यादा है, अब अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है इसका इंपीडेंस ज्यादा है, इंपीडेंस ज्यादा होने का मतलब इस वाली ब्रांच के अंदर करंट कम जाएगी, इस वाली ब्रांच के अंदर करंट ज्यादा जाएगी। अब जब करंट ज्यादा जाएगी तो सीधी सी बात है आई स्क्वायर आर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका आई स्क्वायर आर क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला ज्यादा ब्राइट होगा एज कम्पेयर टू एल टू, तो एल टू विल बी ब्राइटर देन एल वन, ये तो गलत हो गया, एल वन ज्यादा ब्राइट होगा, देयर ब्राइटनेस विल बी सेम, ये भी गलत हो गया, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज्ड ब्राइटनेस ऑफ द एल वन विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ एल टू विल डिक्रीज। देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे सीधी सी बात है ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, इसकी वैल्यू और डाउन होगी, डाउन ही होगी सीधी सी बात है, ओमेगा बढ़ाओगे तो ये वाली क्वांटिटी डाउन नहीं होगी और डाउन हो जाएगी, तो डाउन होगा तो इंपीडेंस डाउन होगा तो करंट बढ़ जाएगी इसके अंदर, और इसमें ओमेगा बढ़ाओगे तो इसका इंपीडेंस और बढ़ेगा तो इसमें करंट और घट जाएगी, तो इसका L2 का ब्राइटनेस और डिक्रीज होगा, तो L1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ L2 विल डिक्रीज, तो ये सही लग रहा है। ओनली L2 विल ग्लो बिकॉज द कैपेसिटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ये तो गलत है क्योंकि यहां पर आपने 200 वोल्ट का सप्लाई दिया है, ठीक है। और तो ये फिर फाइनली जो है थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34,
The secondary coil of an ideal step down transformer is delivering 4500 volt power at 12.5 ampere current. If the ratio of turns in the primary to that of secondary is 5:1, then the current flowing in the primary coil will be okay. So current puchiye primary coil ke andar, calculate kar sakte hain apan, power ki baat kar lete hain. Chalo aa jaiye, step down transformer hai, theek hai, ab chahe hindi mein bhi sahi likha hai, 5:1 नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं और डिलीवरिंग पावर 500 वोल्ट, ठीक है, एट 12.5 एम्पीयर करंट. तो इस वाली ब्रांच के अंदर करंट कितनी है, 12.5, और पावर कितनी दे रखी है अपन को, 500 वोल्ट. तो इस वाले में अपन वोल्टेज भी निकाल सकते हैं. तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा, पी अपॉन में आई, पी कितना है 500, आई कितना है 12.5. तो बाकी कैलकुलेशन मैंने ठीक ही किया है. और ये वोल्टेज यहां पर आउटपुट में, और देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब ये वो वोल्टेज 1/5 टाइम्स घट जाएगा, सीधी सी बात है. तो यहां पर इस वाले प्राइमरी के अंदर इसका 5 गुना होना चाहिए. तो VI कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ना, तो 5 × 500 अपॉन में 12.5, ये VI आ गया. अब कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी, ठीक है, देन द करंट फ्लोइंग द प्राइमरी कॉइल. देखो ये VI आ गया, वोल्ट पावर तो सेम ही होगी ना, पावर तो सेम ही होगी. इस वोल्टेज को अगर मैं पावर में डिवाइड कर दूं, पावर कितनी है अपने पास, पावर है 500. अब पावर में VI को डिवाइड करूं, करंट आ जाएगी अपने पास 5 × 500, और ये 12.5 ऊपर चला जाएगा, ये इनपुट के अंदर करंट आ जाएगी. 500 से 500 गया, 5 से कट कर दीजिए, तो कितना आ गया, 5 × 10 = 2 = 25, 2.5 एम्पीयर. तो 34th का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ. अल्ट्रावायलेट रेज, ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती है, यूवी रेज तो वही हो गया एक तरीके से, IR इंफ्रारेड रेज है, रेडियो वेव जो है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. तो ये चीज तो देखो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सर्फेस स्पीड ऑफ लाइट इज सी. देखिए ई रेडिएशन का एनर्जी जो है इस पे इंसिडेंट हो रहा है, मोमेंटम और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपसे पूछा मोमेंटम इसको कितना ट्रांसफर होगा. तो इसको है ना सिंपली आप फोटोन की थ्योरी से सॉल्व कीजिए, काफी आसान रहता है. फोटोन का मोमेंटम जो होता है ना वो m × c होता है. तो m × c मोमेंटम के साथ आया, वापस उस सेम मोमेंटम के साथ रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया. तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 2 × mc, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज mc². ये ध्यान रखना, m इज अ रिलेटिविस्टिक मास, राइट, रेस्ट मास फोटोन का जीरो होता है, दिस इज रिलेटिविस्टिक मास. फोटोन के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो. सो m × c². तो यहां से m की वैल्यू, हमें m नहीं दे रखा है, तो सीधी सी बात है m बराबर e/c² आ जाएगा. तो 2c ये आ जाएगा e/c², cc कैंसिल आउट हुआ, देन आंसर इज 2e/c. तो 2e/c जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. A condenser is charged using a constant current. The ratio of the magnetic field at a distance r/2 and r from the axis of the condenser. R is the radius of the plate while charging is. देखो जो कैपेसिटर है, कंडेंसर बोले तो कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स को अगर आपने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया एंड देन करंट फ्लो कर रही है, उसके अंदर चार्ज वेरी करेगा, तो अंदर सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट होता है जी. और वो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जनरेट होता है जैसे एक सिलेंड्रिकल वायर होता है ना, उसके अंदर जब अपन करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, उसी वैसे ही उसके अंदर फील्ड भी जनरेट होता है. और अंदर ध्यान रखना फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और आर जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस होती है. तो r/2 और आर पे पूछा है, तो r/2 पर r/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, और r के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब रेशियो कितना आएगा, 1/2, खत्म. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. आइए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 MHz पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद परमिटिविटी दिस 4.0, राइट, यूनिटलेस है, दिस इज डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, अपन कंफ्यूज होते हैं क्या दे रखा है अपन को एप्सिलॉन, तो प्लीज आप यूनिट को जरूर ऑब्जर्व कीजिए, कोई यूनिट नहीं दे रखी, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है. देन वेवलेंथ डबल होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं. तो एक चीज देखो भैया, हमेशा ध्यान रखना, अगर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, जनरली नहीं होता, ठीक है, दिया भी हो, नहीं भी दिया हो, तो भी हम काम चला सकते हैं. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, म्यू आर एप्सिलॉन आर का अंडर रूट, सही है. तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है जी, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज गिवन 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका 2 के बराबर है. अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के बराबर, तो जो वेव जब उस मीडियम में अंदर ट्रेवल करेगी, ठीक है, डायरेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अच्छे जानना चाहिए आपको, याद भी होना चाहिए, λ′ = λ/n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू 2 है यहां पर, तो λ/2 हो जाएगा, तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी.
लेकिन ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पर। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो दोनों में तो डबल डबल कर रखा है, तीसरे चौथे में हाफ कर रखा है, नहीं इसमें तो सेम कर अनचेंज कर रखा है, तो ये गलत हो गया। थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 39th, इन एन अपरेटस द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज फाउंड टू ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 18 वोल्ट पर मीटर। ओके द आरएमएस ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू पूछी है। सीधी सी बात है, ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? देखो ई बी और सी में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल्स टू बी इनटू सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बहुत ही सरल सा रिलेशन है। तो बी नॉट क्या आएगा, पीक वैल्यू क्या आएगी, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। ठीक है, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी, मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछे और आरएमएस वैल्यू पूछे, तो क्या करना है, ई नॉट बाय सी और बाय रूट टू लगा दो, ये साइनसोइडल फंक्शन होगा ना, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय रूट टू और आ जाएगा, बस खत्म। तो ई नॉट की वैल्यू 18 दे रखा है और रूट टू है ही यहाँ पर डिवाइड में, और सी की वैल्यू अपन सब लोग जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, तो ये 3 6 हो गया, रूट टू से डिवाइड कर दो, तो ये 3 × √2 आ गया, 10⁻¹, 10⁻¹ तो सब में ही दे रखा है, 3 × √2 है, 3 × √2 1.414, तो 14 × 3 कितना होता है, तो 43 के आसपास, मतलब 40 के आसपास जो भी आएगा, तो देख लीजिए इसमें 4 पॉइंट मतलब है ना, तो 4.23 जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, × 10⁻¹ टेस्ला। तो सिंपल गुणा भाग है सरल सा। 40th, द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप ऑफ द कंडेंसर प्लेट ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द गैप इज, अगेन वही सेम चीज, बी प्रोपोर्शनल टू आर, प्लेट्स के अंदर, प्लेट से बाहर चले ना अपन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्लेट के अंदर की बात हो रही है, तो और कोई सा भी इसमें ग्राफ देख लो, कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सारे गलत हैं, तो इनके कंपेरेटिवली बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। 41वां, ए प्लेन ईएम वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स विद अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है ईएम वेव, एट सेम पॉइंट एट सेम इंस्टेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 750 न्यूटन पर कूलम इन वाई डायरेक्शन, द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है अपन से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 750 न्यूटन पर कूलम है, और किस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई की वैल्यू 750 न्यूटन पर कूलम है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए, तभी तो ई क्रॉस बी क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, जेड होनी चाहिए, कन्फर्म है ना, तो y क्रॉस z करोगे तभी तो x आएगा, तो इस तरफ आ रहा है डायरेक्शन आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस की तरफ इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो थर्ड है एक फोर्थ है, अब इसमें वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू तो भाई सीधी सी बात है, e इक्वल्स टू b इनटू c, तो हमको e दे रखा है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, e बाई सी, e कितना है 750 और c कितना है 3 × 10⁸, डिवाइड कर दो बस और कुछ नहीं है, तो ये कितना आ गया, 3 × 2 = 6 = 15 × 250 × 10⁸, दो उड़ा सकते हो यहाँ पर −8 है, दो उड़ा सकते हो, 2.5 × 10⁻⁶, −6 बोले तो माइक्रो टेस्ला, तो 2.5 माइक्रो टेस्ला अलोंग जेड एक्सिस, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 42, ए लैंप रेडिएट्स पावर पी नोट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नोट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज, देखो लैंप है जी, लैंप की पावर कितनी पी नोट है, आर डिस्टेंस पर अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी अपन को लाइट की, इंटेंसिटी मिलेगी पी नोट अपॉन 4πr², ये तो ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो कैसे रिलेट करते हैं अपन, देखो एक टर्म होती है पॉइंटिंग वेक्टर व्हिच इज ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है, जैसे ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, बी की वैल्यू बी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, वेक्टर में अगर अपन देखें मोड, मोड भी ले लें, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, तो इसका मोड लें कितनी आएगी, ये आ जाएगी ई नॉट बी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना बाय म्यू नॉट, ये वैल्यू आ गई, तो ये मोड मैंने यहां पे लिया है। अब ध्यान रखना जो इंटेंसिटी होती है ना वो इंटेंसिटी एस का मॉड्यूलस होता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू होती है, मॉड्यूलस लेकर के एवरेज वैल्यू ली जाती है, अब एवरेज वैल्यू तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू 1/2 आएगा, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली ई नॉट बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट, ये है जी इंटेंसिटी, और बी नॉट को अपन लिख सकते हैं ई नॉट बाय सी, तो E नॉट स्क्वायर बाय सी आ गया, ये पूरा E नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो जो ये वैल्यू है ना इसको मैं लिख सकता हूँ E नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट सी। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है
लेकिन म्यू नोट नहीं आ रहा, एप्सिलॉन नोट आ रहा है, तो म्यू नोट को अपन एप्सिलॉन नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अपन जानते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट जो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहां से म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओवर एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, ये म्यू नोट की वैल्यू है। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर, तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो पी नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बच गया एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ जाएगा, सी स्क्वायर से शायद आई थिंक सी बच गया, सी कट जाएगा एक, और बस हो गया। तो ये ई नॉट है, अंडर रूट कर दो इसको, बस ये वैल्यू आ गई। अब इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पी नॉट आ रहा है 2 पाई सी, आर स्क्वायर भी आ रहा है 2 पाई सी, आर स्क्वायर भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है फाइनली सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 43। द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। सीधी सी बात है, ईएम वेव के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है, और ई की वैल्यू सी टाइम्स ऑफ बी होती है। ये वैल्यू रख के देखो आप, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो ध्यान रखना एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है दोनों को बराबर होता है, 1:1। 44. One requires 11 electron volt of energy to dissociate a carbon monoxide molecule into carbon and oxygen atoms. The minimum frequency of appropriate electromagnetic radiation to achieve the dissociation lies in. इतनी एनर्जी है जी, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी अपन से पूछी है, मिनिमम जो भी है इसको इनको सेपरेट करने के लिए। तो बहुत ही सरल सा सिंपल सा रिलेशन है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, ये अपन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और उसके अलावा लैम्डा की वैल्यू पूछे अपन से, तो 12400 अपॉन में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 11, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। इसको अगर अपन कट भी करें यहाँ से तो कितना आएगा, 1 बचा अगेन, देन अगेन 1, और फिर 3 बचेगा, 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर जो भी बचेगा तो ये लगभग 3-4 जो भी है, ये 1100 के समथिंग वैल्यू आ रही है, 1100 समथिंग एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही है। ध्यान रखना विजिबल में डेफिनेट लाई नहीं कर रहा करता, लैम्डा इन्फ्रारेड के लिए ज्यादा होती है, माइक्रोवेव के लिए और ज्यादा होती है, ये भी नहीं होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये लाई करेगा, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए 45th, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^9 हर्ट्ज, द इलेक्ट्रॉनिक वेव प्रोड्यूस्ड विल हैव फ्रीक्वेंसी दिस, ओके, विल हैव वेवलेंथ 3 meter, फॉलोइंग द रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिए, चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है ना, मेन पोजिशन ग्राउंड, सेम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, हमेशा माइंड में रखना। तो यहां पर विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10^9 हर्ट्ज, इसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होगी, पहली बात तो दिखते ही आंसर आ गया, ये वाला तो गलत हो जाएगा। विल हैव वेवलेंथ ऑफ 3 meter, वेवलेंथ के लिए चेक करना, जो चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी तो ये आएगी, जो वेव जनरेट होगी स्पीड ऑफ लाइट सी से जनरेट होगी, तो वेवलेंथ लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट सी 3×10^8 अपॉन में एफ आ जाएगा विच इज 10^9, इसको डिवाइड करें तो ये 10 बचा, 3/10 मतलब 0.3 meter, लेकिन 3 meter दे रहेगा तो ये इनकरेक्ट हो गया। फॉलोइंग द रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, लैम्डा की वैल्यू भैया बहुत ज्यादा आ रही है 0.3 meter, तो विजिबल में कहां होगा, ये भी गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 46th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओमेगा एल 1 > 1 ओवर ओमेगा सी, एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से ज्यादा है, तो अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से जब ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है वोल्टेज लीड करता है ना, तो करंट लैग करती है, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, दैट मींस ये का सेकंड हो गया। ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ωc, अगर ओमेगा एल ओवर ओमेगा सी, 1/ωc, एक्सएल और एक्सिस जब बराबर होते हैं तो अपन को पता है जी करंट इज इन द फेज विद ईएमएफ, ऑब्वियसली ठीक है, करंट सेम फेज में होती है, ठीक है, और सी है ओमेगा एल लेस देन 1/ωc, एक्सएल की वैल्यू एक्सी से कम अगर है तो सीधी सी बात है जो करंट है वो लीड करेगा, तो सी का फोर्थ हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट अपन को मिलती है ना, तो इसका जो है परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन अपन को दिख रहा है वो आ जाएगा फर्स्ट का थर्ड सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, ठीक है, और बाकी कुछ ऑप्शंस अपन को मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर है ना, तो बाकी बी का फर्स्ट फर्स्ट सी का थर्ड एंड फोर्थ दे रखा अपन को, सी का अगर अपन देखें तो सी जो है तो ऑब्वियसली गलत हो ही जाएगा, डी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, तो इसमें बेटर ऑप्शन कौन सा है, फिर फर्स्ट मिल जाएगा। बाकी अपने माइंड में ये भी आता है कि जो डी है, या अगर अपन बी की बात करें है ना,
बी की अगर अपन बात करें तो बी में ओमेगा एल और 1 ओवर ओमेगा सी बराबर है, तो इस केस में मैक्सिमम करंट आरएलसी सीरीज सर्किट की अगर बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम करंट अपन को मिलती है जी रेजोनेंस पे, तो ये भी इसमें ठीक होना चाहिए अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मामला उल्टा हो जाता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मामला उल्टा जाता है, लेकिन इसके लिए फिर अपन ये कह सकते थे बी के लिए थर्ड बोल सकते थे, लेकिन ए का तो सेकंड होना चाहिए ना, तो बी का तो सेकंड तो किसी में है ही नहीं इसमें, तो इन दो में ही है और बी का इसने फर्स्ट दे ही रखा है खाली, तो फिर इसी पे जाएंगे ना, फिर ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 47th, ए लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज दिस 3.1 कोस इक्वेशन जो भी दे रखी है अपन को, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप बोले तो एक्स डायरेक्शन में है और जेड बोले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और माइनस ओमेगा टी सीधी सी बात है प्लस जेड डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यहां पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है के कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो आई कैप की तरफ है। इज इंसिडेंट नॉर्मली तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पर ये इंसिडेंट होती है। वेवलेंथ इज 5.4 मीटर, वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है जी तो सीधी सी बात है ये जो जेड का जो कॉफिशियंट है वो के है और के की वैल्यू 1.8 है, ठीक है, 1.8 यहां पर अपन को दे रखा है और 2 पाई बाय लैम्डा करके आप के को रिलेट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाय के, के इज 1.8, इसको अगर अपन डिवाइड भी करें यहां से तो 0.6 आएगा, ये 10 हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो 5 बाय 3 जो है कितना आएगा, ये पाई की वैल्यू 3.414 होता है, इसको अगर 3 से डिवाइड भी करें तो जो है इसकी वैल्यू 5.4 के एग्जैक्टली बराबर नहीं आती है, राइट, अगर हम डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी करें इसको तो 5 और 20, 2 बचा 5, 2 7, ठीक है, और ये 15, 3 से डिवाइड करें 15.3.2 समथिंग ये वैल्यू आ रही, 5.2 समथिंग वैल्यू आ रही, तो ये गलत हो गया, देखो कैलकुलेशन तो है इसके अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, फ्रीक्वेंसी पूछी अपन से, ओमेगा आपको दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2πf होता है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा में 2π को डिवाइड कर दो, 5.4 × 10⁶ में 2π को डिवाइड करें 2 × π, तो भैया 2 से अगर कट भी करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2.7, फिर पाई भी है तो 54 तो आने वाला है नहीं यहाँ पर किसी भी हालत में, इसका मतलब ये सेकंड भी इसका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया। द ट्रांसमिटेड वेव विल बी, भैया ट्रांसमिट क्यों होगी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस दे रखी तो ट्रांसमिट होने वाली है ही नहीं, ये तो गलती हो गया। थर्ड का द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी, देखो रिफ्लेक्टेड वेव डेफिनेटली होगी, एक वेव यूँ आ रही है जेड डायरेक्शन में, एक दूसरी वेव यूँ जाएगी, तो एक तो यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी है तो के जेड प्लस ओमेगा टी तो कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है, बाकी डायरेक्शन तो वो ठीक है परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, ई के लिए बनाया है। जेड बराबर जीरो पे ध्यान रखना जहां पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो वो एक तरीके से रिजिड एंड की तरह रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिजिड एंड की तरह बिहेव करेगा और रिजिड एंड की तरह अगर बिहेव करेगा राइट परफेक्टली रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर, तो उस केस के अंदर ये ध्यान रखना जेड बराबर जीरो पर इंसिडेंट वेव के लिए और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो सम होगा ना दोनों का वो जीरो होना चाहिए। जैसे जेड बराबर जीरो कर दूं यहां पर तो कोस का माइनस में ही आएगा और कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है तो यही बचेगा खाली, और इसके लिए करके देखूं तो कोस ऑफ जेड की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी और माइनस का है पहले से तो ये वाली क्वांटिटी एज इट इज बराबर आ रही, दोनों का सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, हमारी बात, तो यहां से अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन जो है ये वाली बनेगी, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 48th, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी बी की के जेड ओमेगा टी, तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है के कैप, लेकिन ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो 2i kj kF के लॉन्ग है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बी की ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक चीज तो ध्यान रखना बी और ई की जो मेन इक्वेशन होती है ना ये वाली ये सेम रहनी चाहिए एज इट इज, यहाँ पे देखो तीनों के तीनों नेगेटिव में है, ये सॉरी दोनों के दोनों नेगेटिव में, तो हट ही गए पूरी तरह से, ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए, बाकी ये दो बच रहे हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनमें से करेक्ट छांटना अपन इसको कौन सा सही है, तो बाकी ये पीक वैल्यू सेम आ रही है दोनों में, इनको क्यों चेक करें अपन, डायरेक्शन को देखना है अपन को, एक चीज देखना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो डायरेक्शन प्रोपगेशन इस तरफ होगा ई क्रॉस बी, अपन को ई की डायरेक्शन पता करनी है, तो इस तरफ मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, मैं ये ई कैप है ये बी कैप है और ये एस कैप मान लेता हूं मैं इसको, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो मैं एस कैप को या बी कैप को एस कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ई कैप की डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं लिख सकता हूं बी कैप क्रॉस एस कैप इज इक्वल टू ई कैप, यही तो है, अब इसको सेटल डाउन कर सकते हैं अपन, आइए तो सबसे पहले बात करता हूं बी कैप की,
बी कैप है किधर, देखिए ये देखो टू आई कैप प्लस जे कैप, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए रूट फाइव से डिवाइड कर दो, वो तो खैर एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस एस कैप, एस कैप है डायरेक्शन प्रोपगेशन, एक सेकेंड देखो, हाँ ये के जेड प्लस ओमेगा डी, ये माइनस का के कैप डायरेक्शन में ये जा रही है वेव, है ना, के जेड प्लस ओमेगा डी माइनस के कैप, यहाँ पे माइनस के कैप आएगा और यहाँ ई कैप आ जाएगा। अब देख लो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं अपन, माइनस को बाहर ले आओ पहले ही, माइनस बाहर आ गया, वन बाई रूट फाइव है, इसको सेटल डाउन कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, ये माइनस को हटा दो यहाँ से, ये आ जाएगा आई क्रॉस के, के क्रॉस आई जे होता है ठीक है, लेकिन आई क्रॉस के तो माइनस का जे आ गया ये। नेक्स्ट चलो ये जे क्रॉस के बचा, सॉरी टू बी है साथ में साथ, है ना, टू बी है, जे क्रॉस के बचा प्लस का है, तो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई आ जाएगा प्लस का आई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आई प्लस का टू जे, तो माइनस का आई प्लस का टू जे यहाँ पे आना चाहिए, जो कि केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, फोर्थ आ जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 49th, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप कोस जेड माइनस ओमेगा टी प्लस बी वन जे कैप कोस जेड के जेड प्लस ओमेगा टी। देखो एक तो वेव प्लस डायरेक्शन डायरेक्शन जा रही है और एक माइनस जेड डायरेक्शन जा रही है, दोनों का सुपर पोजिशन है, इंटरेस्टिंग बात यह है, और ऑसिलेशन भी देख लेना, बी का आई कैप की तरफ है और इसका जे कैप की तरफ है, बी नॉट की वैल्यू अपन को गिवन है, बी वन की वैल्यू भी गिवन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज क्यू इक्वल्स टू दिस, जेड बराबर जीरो पर। चलो देखते हैं, तो एक चीज देखो, सबसे पहले तो मुझे इनसे बी वैक्टर से ई वैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ई वैक्टर कैसे आएगा, देखो आओ सबसे पहले इसकी बात करें, ये किस तरफ प्रोपागेट करती है, प्लस जेड डायरेक्शन में ठीक है, बी वेक्टर किस तरफ ऑसिलेट हो रहा है, बी वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो ई वेक्टर किस तरफ आएगा, तो ई क्रॉस बी, देखो ई अगर अंदर होगा ना, ई अगर अंदर होगा, देखो यहां इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जेड इधर है एक्स इधर है, तो एक्स वाई, वाई बाहर आएगा तभी तो जेड इधर आएगा, तो एक्स ऊपर है वाई इधर है, एक्स क्रॉस वाई जेड इधर आएगा, लेकिन ई अंदर होना चाहिए, ई अंदर होगा और बी ऊपर है तो ई क्रॉस बी करोगे तभी तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो माइनस जे डायरेक्शन में आएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी नॉट, और ऑब्वियसली ई बराबर बी इंटू सी होता है, तो बी नॉट इंटू सी, ये सी आएगा आएगा कन्फर्म है, और ये माइनस का जे कैप आ जाएगा यहाँ पर ठीक है, माइनस का जे कैप, बाकी फंक्शन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोस के जेड माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट पे चले, बी वन है, चलो इसको देखते हैं, बी वन, बी वन इंटू में सी तो आएगा आएगा, बाकी ये जो डायरेक्शन है ये माइनस का जेड डायरेक्शन में है, माइनस का जेड डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में है ठीक है, तो जेड इधर हो जाएगा फिर, तो एक्स किधर होना चाहिए, एक्स बाहर होगा, एक्स क्रॉस वाई जेड आ रहा है ना, वाई इधर माने मान लिया, तो एक्स इधर आएगा, तो एक्स क्रॉस वाई जेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो माइनस जेड इधर है राइट। तो ये बताओ जरा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डायरेक्शन प्रोपगेशन अगर इस तरफ है राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, अगेन बी इधर है तो ई अंदर ही तो होगा, ई क्रॉस बी करोगे तभी तो इधर की तरफ आएगा, माइनस जेड की तरफ आएगा ये, तो पूरी तरह सेटिस्फाई करो तो एक्स अंदर होगा राइट, एक्स अंदर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो मतलब सॉरी ई अंदर होगा, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक्स बाहर की तरफ है, एक्स क्रॉस वाई जेड आ रहा है, तो वो माइनस एक्स की तरफ आ गया ना एक तरीके से, माइनस एक्स की तरफ, तो माइनस या माइनस आ जाएगा आई कैप, और बाकी सेम फंक्शन है कोस के जेड माइनस ओमेगा टी, ये लो जी ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन में देखें तो चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो चार्ज पे देखें तो क्यू इंटू ई वैक्टर होगा, तो इसको चार्ज क्यू मान लेते हैं, तो क्यू इंटू बी नॉट सी माइनस का जे कैप, है ना, ये फंक्शन आएगा सेम, और ऐसे इसमें भी फंक्शन आया, और ये ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आई और जे, और हमसे आरएमएस वैल्यू भी पूछिए, जेड की वैल्यू जीरो दे रखी है अपन को, जेड को जीरो कर देंगे, जेड को जीरो कर देंगे तो कोस ओमेगा टी, ये भी कोस ओमेगा टी हो जाएगा सिंपली, ये प्लस का है आई थिंक, नहीं हाँ ये प्लस का है, तो जेड बराबर जीरो के तो ये कोस ओमेगा टी, ये भी कोस ओमेगा टी, तो सीधी सी बात है दोनों का स्क्वायर करेंगे ठीक है, नेट फोर्स जो है वो कितना आएगा, इसका अगर आरएमएस वैल्यू की अगर बात करूँ इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, बाय रूट टू पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू बी वन सी बाय रूट टू ठीक है, ये आई कैप आ गया, ये भी आ गया सही है। तो अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आरएमएस वैल्यू मैं ले चुका हूँ, तो नेट फोर्स जो आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में अपन को ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें मैं लिखूंगा कि क्यू बी क्यू इंटू सी बाय रूट टू, तो बाहर आ गया, स्क्वेयरिंग करोगे तो बाकी अंडर रूट में कितना बचेगा यहाँ पर, बी नॉट स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर,
थोड़ी सा मेहनत है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू जो है वो अपने पास ऑलरेडी दे रखी है 10^-4। सी की वैल्यू अपन जानते हैं 3×10^8 होता है, बाय रूट टू। बाकी अगर यहां से b0² + b1² देखो, बी नॉट की वैल्यू बी वन के कंपेटिवली ज्यादा है, ये 30×10^-6 आएगा और ये 2 है, तो 30 का स्क्वेयरिंग करोगे तो कितना आएगा, 900 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा केवल, तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है इसकी ऑलमोस्ट 30×10^-6 ही बनेगा लगभग, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में इसका कोई फर्क ज्यादा कुछ पड़ने वाला है नहीं, इसको डील कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये 10^-6 है तो 10^2 बचा है यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, और बाकी देखिए ये 10^-4 है, ये 10^-2 है तो -2 बचेगा, इसको हटा दो, ये 0 भी काट दो तो -1 बचा, ठीक है। तो 3×3 = 9 और ये 9×10^-1 है और बाय रूट टू है, 9/√2 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट जो है ये वाली वैल्यू पॉइंट, और बाकी 10 से डिवाइड भी करना अपन को है ना, तो इसको चाहो तो √2 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे ये 2 आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना तो ऑलमोस्ट वैल्यू आती है 0.6 न्यूटन के अराउंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एन कैप साइन ओमेगा टी प्लस 6y - 8z टेकिंग यूनिट वेक्टर्स एक्स वाई जेड के अलोंग दे रखे हैं अपन को, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एस कैप इज। एक चीज का ध्यान रखना, ये वेव जो है ओमेगा टी प्लस में ये जो फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर है ना, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लू ना तो ये आ जाएगा अपने पास 8z - 6y, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट है यहां माइनस आना चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखो, या तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी होना चाहिए या ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर होना चाहिए, इस पैटर्न में होना चाहिए। तो ये माइनस पहले से ही कॉमन ले लो। अब ये जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना वो के वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, के वेक्टर प्रोपगेशन कांस्टेंट जिस डायरेक्शन वेव प्रोपगेट करती है, तो यहाँ पे x का तो है नहीं तो वो 0 i कैप हो जाएगा, y का कितना आएगा -6 j कैप, और z के लिए बात करें तो प्लस का 8 k कैप, ये k वेक्टर एक्चुअली देखा जाए तो, और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो इसने s कैप से डिनोट किया है, यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा माइनस का 6 j कैप प्लस का 8 k कैप अपॉन में 6 और 8 का पता ही 10 आता है, तो ये वैल्यू अगर अपन देखें तो 5 से कट कर दो तो माइनस का 5 आ जाएगा नीचे, 2 से कट कर दो तो 3 j कैप प्लस 4 k कैप बाय 5, तो माइनस का 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बाय 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ये इसका जरूर आप ध्यान रखना, एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट्स हैं वही के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ना, के वेक्टर इक्वल्स टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, वो जो कोफिशिएंट उठा के यहां रख देने हैं, बट यहां ध्यान रखना माइनस में रखना है आपको, ठीक है। या तो के डॉट आर माइनस में ओमेगा टी होना चाहिए या ओमेगा टी माइनस में ये वाला पैटर्न होना चाहिए, तो आसानी से अपने डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके तो ये थे आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस, अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं बिना टाइम जाया किए। तो सेक्शन बी के का पहला क्वेश्चन है, द करंट्स इन I1 एंड I2 इन एसी सर्किट्स आर गिवन एज I1 = 4 sin ωt - π/6 एंड I2 = 4 sin ωt + π/6। I1 I2 दे रखा है और I3 अपन से पूछा, I3 की वैल्यू इस टर्म में दे रखी है α sin ωt + φ, देन वैल्यू द अल्फा इज। एक चीज देखिए फेजर डायग्राम से अगर अपन देखें तो वैसे देखा जाए तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, अगर I3 कैलकुलेट करें I3 = I1 - I2। अब वेक्टर मेथड से इसको कर लीजिए, तो I1 की बात करें 4 sin ωt - π/6 है, रेफरेंस लाइन मैंने खींच दी, तो I1 का जो वेक्टर आएगा वो यूं आएगा 4 sin ωt - π/6, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू कितना रहेगा 4। दूसरा जो वैक्टर है वो I2 का वो भी 4 है लेकिन वो रेफरेंस लाइन से ऊपर आ जाएगा 30 डिग्री, इधर की तरफ आ जाएगा 4, ये 30 डिग्री, ये I1 है सॉरी ये I2 है और ये वाला कितना आ जाएगा I1 है ना, और करंट जो है I2 - I1 आएगा, करंट I3 = I2 - I1। तो ये I2 है ये I1 है और I2 - I1 वाला वेक्टर ये तो बनेगा, और ये साफ साफ नजर आ रहा है ये 4 है, ये 4 है, ये 60 है भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना और ये 60, तो ये वाला एंगल भी दोनों बराबर होना चाहिए, 60 60 बनेंगे ये, और ये एंगल जो है ये 90 आ जाएगा। तो फाइनली जो ये वैल्यू आएगी, लेंथ जो आएगी वो, क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल बन जाएगा तो लेंथ कितनी आएगी 4 आएगी, देन I3 जो है अल्फा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, फाइ तो पूछा ही नहीं अपन से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ I इन IT ग्राफ सेमी सर्कुलर इज π/n, देन वैल्यू ऑफ N इज। सेमी सर्कुलर है जी, एरिया निकालना है, एवरेज वैल्यू आप सब लोग जानते हो, एरिया निकालना होता है, इसका एरिया कितना आएगा,
एरिया जाएगा पाई, एलिप्स का आधा है ना, पाई इंटू ए, ए हो जाएगा इसका सेमी मेजर एक्सिस विच इज 2, बी इज सेमी माइनर एक्सिस विच इज अगेन 2 बाई 2, एलिप्स का एरिया टोटल कैलकुलेट कर लिया आधा है ना, अपॉन में इंटरवल, तो 0 से 4 का इंटरवल जो भी है 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया पाई बाई 2, सो एन इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड, इन द एडजॉइनिंग सर्किट द इनिशियल द स्विच एस इज ओपन, द स्विच एस इज क्लोज्ड एट इक्वल्स टू 0, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट दैट कैन फ्लो इन द सर्किट इन द एम्पियर इज, इस सर्किट में मैक्सिमम और मिनिमम करंट कितनी फ्लो होगी उनका डिफरेंस पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं, जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो उस समय ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर करंट को फ्लो नहीं होने देगा, इसमें करंट नहीं जाएगी, करंट इसमें केवल इसमें जाएगी, तो 10 10 10 बाय 10 कितना आया 1 एम्पियर, जो बैटरी से फ्लो होगी, है ना, सर्किट से फ्लो होने का मतलब बैटरी से फ्लो होना। और जब शॉर्ट हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट कंडीशन शॉर्ट हो जाएगा, तो 10 और 10 का कितना आ जाएगा पैरेलल के अंदर 5 आ जाएगा, 5 और ये 10 ओम 10 वोल्ट है, तो करंट कितना आ जाएगा 10/5, राइट। अगेन आई रिपीट, 10 एंड 10 का कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, और 5 ओम आने का मतलब ये हुआ 10 बाय अगर मैं 5 करूंगा यहां पर तो 2 एम्पियर यहां पर इस केस में करंट आ जाएगी, करेक्ट। तो मैक्सिमम करंट जो है वो 2 एम्पियर है ना, मैक्सिमम करंट जो है वो 2 एम्पियर है यहां पर, और मिनिमम करंट जो है यहां पर आ रही है अपने पास 1 एम्पियर, करेक्ट। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 एम्पियर, सब्ट्रैक्शन पूछा है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर के अंदर ही आंसर अपन से पूछा है, तो ये 10 10 का 5 आ गया, ठीक है, सही है, परफेक्ट है, 10/5 2, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। देखिए, द नेटवर्क शोन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट, इफ एट ए सर्टन इंस्टेंट द करंट इज आई इज 5 एम्पियर and it decreasing at a rate of 10^3 ampere per second, then Vb minus Va in volts equals to, ये decrease हो रहा है ध्यान रखना, so di by dt is a negative, अपन से पूछा Vb minus Va, तो इधर से इधर चलना है अपन को, और करंट यूं जा रहा है, तो करंट जिस तरफ आता है ना उसी तरफ अपन यूं इस तरीके से इंडक्टर को ड्रॉ करते हैं, L di by dt, ये तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा, तो अपन को Vb minus Va लिखना, चलिए Vb minus Va कैलकुलेट करते हैं, आओ, तो दिस माइनस दिस चलना है, तो दिस माइनस दिस चलेंगे तो माइनस का L di by dt हो जाएगा, सिंपल, लो टू हाई, फिर हाई से लो प्लस का 15 हो गया, फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट यूं जा रही है, तो माइनस का 1 इंटू आई, अब ये वैल्यू रख देते हैं अपन, आइए, तो माइनस का एल, एल की वैल्यू कितनी है यहां पर, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, एल की वैल्यू अपने पास है 5 मिली हेनरी, तो 10^5 × 10⁻³ मिली हेनरी में, डी आई बाई डी टी जो है यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है अपन को, दे रखा है डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस का 10^3, ठीक है, ये भी आ गया, और प्लस का 15, माइनस का 1 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी देर की 5, तो 5 आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो इससे कट गया ना, 10^3 कट गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 15, इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो फोर्थ का कितना आ जाएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन द सर्किट शोन एक्स इज जॉइन टू वाई फॉर ए लॉन्ग टाइम, देखो एक्स को वाई से जॉइन किया काफी लंबे समय तक, ठीक है, तो इंडक्टर में जो करंट है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर आ जाएगी, फिर आपने एक्स को जेड से जॉइन किया, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द आर टू इज, आर टू में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, सीधी बात है इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वही तो हीट प्रोड्यूस होगी, अब इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई का जो जॉइनिंग जब की थी हमने उसके उसके बाद की सीन बाद का सीन देखते हैं, देखो ई ई एम एफ है, तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू इन स्टेडी स्टेट कितनी आ जाएगी ई बाय आर वन, और इस इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर आ गया, यही तो एनर्जी इसमें आर टू में जो है कंज्यूम होगी, आर टू यही तो एनर्जी खाएगा, बस इसी एनर्जी को देखना आप, इस रिलेशन को देख लो जरा, एल ई स्क्वायर तो आ रहा है, अल्फा दे रहा है ये आर वन की पावर बीटा, आर टू नहीं आ रहा ना, तो आर टू नहीं आ रहा, आर टू की अगर गामा दे रखा है, गामा की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे जीरो, पावर जीरो होगी तो वैल्यू वन हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर 2 आ गया, और बाकी 2 भी आ रहा है देखो मल्टीप्लाई में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही 2 आ रही है, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो पूछा है, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 4। नेक्स्ट पे चलें, सिक्स्थ पे आ जाइए, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1/√2, ओके, द कैपेसिटेंस इन मिली फैरड ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी है, ठीक है जी, पावर फैक्टर की बात करें अपन, डायग्राम बना ली, ट्रायंगल बना लिया मैंने, आर की वैल्यू अपन को 10 ओम दे रखी है, तो 10 रख देते हैं डायरेक्ट,
और ये एक्सएल है तो ये आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। ध्यान रखना एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, वो नीचे आ जाएगा ट्रायंगल, तो डिपेंड करता है क्या वैल्यू अपन को रखनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और ये वाला एंगल फाई आ जाएगा, तो जेड जो है यहां पर देखें अपन ओमेगा, हालांकि अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं अपन। तो एक्सएल कितना आएगा, एक्सएल आ जाएगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है आपके पास 100 और एल की वैल्यू 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई करें 100 को तो कितना आएगा 10 आएगा ना, सो एक्सएल इक्वल्स टू 10। तो 10 माइनस एक्सी या एक्सी माइनस 10 कुछ भी हो सकता है ये। तो यहां से अपने पास जो है पावर फैक्टर दे रखा है 1/√2, 1/√2 होने का मतलब सीधी सी बात है एंगल 45 डिग्री है, 45 मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो मोड में लिखूंगा मैं 10 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 10, है ना, तो बराबर तभी होंगे। अब मैं अगर मैं 10 माइनस एक्स सी बराबर 100 10 लिख दूं तो एक्स सी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी उस केस में, तो जीरो होने का मतलब वो पॉसिबल नहीं है, मिली फैड के अंदर अपन को आंसर देना है। या हो सकता है एक्स सी माइनस 10 इक्वल टू 10, तो यहां से एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ये लो। और हमें सी की वैल्यू पूछी है, एक्स सी कितना होता है 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 इंटू सी इज इक्वल टू 20, तो सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/20 और ये 00, तो 1/2000 मिली में पूछा है अपन से, तो जी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मिली में आ जाएगा मिली फैरड, 0000 कैंसिल आउट, 1/2 मीन्स 0.5, तो इसका आंसर जो सिक्स का जो आंसर आ रहा है वो 0.5 मिली फैरड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चले, सेवंथ पे। द प्राइमरी ऑफ ए 3:1 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू सोर्स एंड द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर आर, द पावर डिसिपेटेड बाय आर इन दिस सिचुएशन इज पी। ओके, तो देखिए सोर्स से कनेक्ट किया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, 3:1 है, सोर्स का वोल्टेज मान लेते हैं वी है, और आपने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो अगर यहाँ वी है तो आउटपुट में कितना आएगा, वी बाई थ्री आएगा, सीधी सी बात है वी बाई थ्री वोल्ट आएगा। और ये कह रहा है कि जो पावर डिसिपेशन जो हो रहा है इस रेजिस्टर के अंदर वो कितना है, पी के बराबर है, तो पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय 9 आर आएगा कि नहीं आएगा, पी आ गया। इफ आर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सोर्स, सोर्स से अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूं तो पावर डिसिपेशन कितना आएगा, अगर मैं डायरेक्टली वी से कनेक्ट करूं तो पावर डिसिपेशन कितना आएगा, पी डैश मान लेता हूं, तो डायरेक्ट कनेक्ट करूं वी स्क्वायर बाय आर के बराबर ही तो आएगा। अब ये कह रहा है पी डैश जो है वो एल्फा पी के बराबर है, तो पी डैश की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर है, तो वी स्क्वायर बाय आर जो 9p के बराबर ही तो आया, सो एल्फा पी इज 9p, सो एल्फा इक्वल्स टू 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 8th पे आइए। ए ट्रायंगुलर वायर फ्रेम ईच साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड डी बाई डी टी आपको दे रहा है, द मैग्नेट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, द बेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम व्हाइल द अदर टू साइड्स रेजिस्टेंस 2 ओम ईच, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी इन वोल्ट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, एक वायर फ्रेम आपको दे रखा है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है जी, ठीक है। तो इसमें फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है और किस रेट से चेंज हो रहा है, √3 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर पूरे के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। सबसे पहले मैं पूरे फ्रेम के अंदर ईएमएफ कैलकुलेट करके देखता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड लेंथ अगर एल होती है तो एरिया कितना होता है, ये एल हुआ, ये 60, तो एल √3/2 आ गया, तो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस एल एंड परपेंडिकुलर इज एल √3/2, सो एरिया इज एल स्क्वायर √3/4, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एरिया अपने पास आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एल स्क्वायर √3/4, ये एरिया आ गया, ठीक है, एरिया चेंज नहीं हो रहा, इंटू में db/dt, db/dt की वैल्यू √3 दे रखी है आपको, इसका मतलब जो ईएमएफ कंप्लीट ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो आ जाएगा 3/4 इंटू में एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 2 दे रखी है अपन को, 2 × 4, 4 से 4 कटा तो 3 वोल्ट आ गया। तो इस पूरे वायर फ्रेम के अंदर जो है 3 वोल्ट आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात आती है जब बी चेंज करते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो सिमेट्रिकली अगर अपन देखें तो सारे के सारे वायर जो है ना सब पे ईएमएफ इक्वल अमाउंट का जनरेट होगा, ये 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट। अब बात आती है जो बैटरी बनाएंगे वो बैटरी कैसे अरेंज करें, कैसे कनेक्ट करें अपन, तो बैटरी का कनेक्शन जो है सीधी सी बात है क्रॉस इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस इंक्रीज होगा तो क्रॉस को कट करने के लिए ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा, तभी तो क्रॉस कट होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, तो ईएमएफ यूं आएगा, तो सेल जो बनाएंगे ना अपन वो ऐसे ही बनाएंगे यूं, इस तरीके से ईएमएफ ऐसे जनरेट होगा। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं करंट कितना आएगा इस पूरे वायर फ्रेम के अंदर, करंट कैलकुलेट करना है, तो 3 वोल्ट तो कंप्लीट हो गया, रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कह रहा है ए बी एज रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका तो 1 ओम है, बाकी का 2 2 है, 2 2 4 और 1 5, तो सीरीज में सारे के सारे 5 से डिवाइड करते हैं करंट आ जाएगी, तो करंट इज 3/5 एम्पियर,
अब मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखना, ए और बी वाले का अलग सेपरेट डायग्राम बनाता हूं। इसका रेजिस्टेंस होगा कितना, 1 ओम। इसकी जो बैटरी बनेगी ना ए से बी के बीच में, वो कुछ इस टाइप से बनेगी, सेल जो बनेगा है ना, वही तो करंट को फ्लो करवाएगा। और इंडिविजुअली देखें तो 1 वोल्ट, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 वोल्ट आएगा। अब करंट जो है इसमें पूरे में कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एंड हियर करंट इज 3/5 एम्पियर, और मुझे VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। सो VA माइनस VB अगर मैं कैलकुलेट करूं, दिस माइनस दिस चलें, तो देखो करंट हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, 3/5 × 1 ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस 1, तो 3/5 − 1 राइट, तो माइनस 5 माइनस प्लस का 3 तो कितना आ गया, माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 कितना आएगा, माइनस का 0.4। मैग्नीट्यूड पूछा है यहां पर, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, 0.4 वोल्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आइए 50 वोल्ट 100 वोल्ट लैंप इज टू बी कनेक्टेड टू एन एसी मेंस ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, व्हाट रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस किलो ओम इज एसेंशियल टू बी पुट इन सीरीज विद द लैंप। ठीक है जी, अब देखिए आपने सोर्स लगा रखा है 200 वोल्ट का और आपने एक लैंप जलाना है जिसका जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आना चाहिए, 100 वोल्ट आना चाहिए, उसकी पावर कितनी, 50 वोल्ट है। इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर बराबर पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, तो आर बराबर वी स्क्वायर बाय पी, वी कितना है 100 है ना इसका, तो 100 × 100, और पी कितना दे रखा है 50, 50 से कट करें तो कितना आ जाएगा, 200 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस। तो ये जो लैंप जो आपको दे रखा है इसके अक्रॉस ये इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 200 ओम आ गया। अब ये कह रहा है इसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट करना है अपन को, और पूछा है कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब एक्स ही पूछा है अपन से, ताकि ये जल सके है ना, तो इतना तो अपन को रखना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 200 आपने लगाया है तो इसके अंदर अपन को करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू वी विच इज 200 बाय जेड, जेड इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में 200 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया जेड। अब इस सॉरी आई आ गया, अब इस आई को मुझे इस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 200 है, तो इस आर से मल्टीप्लाई कर दूं 200 से फर्दर, तो मेरे पास V आना चाहिए जो कि एग्जैक्टली 100 के बराबर है। इसको 100 के बराबर कर देते हैं है ना, तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वेयरिंग कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 4 तो है ही ऑलरेडी, 400 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये 200 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके चलो तो 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, तो 400 माइनस 200 200 बचेगा, और इनटू में ए प्लस बी, 400 प्लस 200 600 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 100 100 दो बार आ रहे हैं तो अंडर रूट करोगे तो 100 बचेगा, और बाकी 2 × 4 2 फ्री हो जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा बराबर एक्स, तो 2√300 मतलब 200 × √3 आ जाएगा। किलो ओम में पूछा है, 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 कट गए, 0 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2√3/10 आ जाएगा, रूट 3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 732, तो 4 आ गया ये, ये आ जाएगा 6 14 1 और 3.464 × 10 आ रहा है, तो 0.34 के राउंड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, 0.346 है ना, तो इसको राउंड फिगर में कर देंगे 0.35 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ का आंसर आएगा 0.35। टेंथ में आ जाइए, इन द LR सर्किट शोन द फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट I आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द केस। रेशियो पूछा है करंट का, एक तो लंबे टाइम बाद में अगर मैं देखूं तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं चलो आई की वैल्यू कितनी आती है, फिर बाद में बात करेंगे, ई को क्लोज कर दिया है अपने। तो ये देखो जरा, ये सर्किट वापस ड्रॉ करूं मैं यहां पर, कुछ ऐसा सीन है, ये वी, ये वी और ये 2V है, सॉरी ये 3V है, ये भी R और ये भी R, इसमें करंट पूछा है अपन से। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, तो इसका 0 हो गया तो इसका V हो गया, इसका कितना आया 3V, और ये 0 ये 2V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 2V आ गया। यहाँ पे नोड मेथड लगा दो तो आउटगोइंग करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2V माइनस V कितना आ गया, V अपॉन R, इसमें देखें 2V माइनस 3V कितना आ गया, माइनस का V अपॉन R, और इधर प्लस में I बराबर 0, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि V बाय R से V बाय R, I बराबर 0 आ गया जी, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट ही 0 हो जाएगी, तो जो रेशियो है वो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की वाला पूछा है, तो
ऊपर वाला जीरो ही है, तो जीरो में डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी, ठीक है। बाकी अगर इनिशियली बात करें तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो जो करंट है वो करंट नेगेटिव में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं क्योंकि ऊपर तो जीरो बैठा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। इलेवंथ, आइए, टू सर्किट्स आर शोन द फिगर ए एंड बी एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियन पर सेकंड, द एवरेज पावर डिसिपेट इन वन साइकिल विल बी सेम इन बोथ द सर्किट्स। ये कह रहा है दोनों में एवरेज पावर जो है वो एक साइकिल के लिए सेम है जी। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसके अंदर देखो वोल्टेज सोर्स दोनों में सेम दे रखा है, रेजिस्टेंस भी सेम दे रखा है, देखो तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करें भैया, सीधी सी बात है, अगर सर्किट रेजोनेंस में आ जाए है ना, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस है ये, फिर करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे तो पावर डिसिपेशन दोनों में सेम हो जाएगा, समझ आई बात। तो यहां पर कमाल बस इसी का ही है कि इन दोनों को रेजोनेंस में लेके आना है सर्किट को, रेजोनेंस के लिए अपन को पता ही है ओमेगा बराबर क्या होता है, 1/√LC, खत्म। तो ओमेगा हमसे रेडियन पर सेकंड ओमेगा ही पूछा जी यहां पर, तो रख देते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी 10 हेनरी, सी की वैल्यू कितनी 40 माइक्रो है जी 10^-6, ठीक है, और अंडर रूट करना है तो ये जो 00 तो ये माइनस का 4 बचा, इसको अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 10^-2, ऊपर लेके जाओगे 100/2 आ गया, सही है 100/2, सो 50 रेडियन पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, 11वें का 50 आ जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए, इन द सर्किट डायग्राम R1 इज 10 किलो ओम दे रखा है, R2 20 किलो ओम दे रखा है, बहुत बढ़िया, R3 भी दे रखा है 12 किलो ओम, L1 L2 10 हेनरी, C1 C2 5 माइक्रो फैराड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज इन किलो ओम। भैया सीधी सी बात है, हाई फ्रीक्वेंसी पर XC टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, 1/ωC होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये जीरो हो जाएगा, और XL ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, XL इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जहां जहां इंडक्टर दिख रहा है ना उसको तो ओपन सर्किट कर दो, और जहां जहां कैपेसिटर उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो देखो ये तो शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये ओपन हो गया, इसको हटा ही दो यहां से, मतलब नहीं है, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, यहां से भी सर्किट ब्रेक हो गया, इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो करंट फ्लो केवल ऐसे आएगा, देखो यूं ही तो आएगा, इसका मतलब इंपेडेंस के लिए अगर अपन बात करें तो ये दोनों सीरीज में जाएंगे R1 और R3, बाकी तो है ही नहीं, ये तो खत्म है, R2 का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, तो R1 प्लस R3 इसका आंसर आएगा, R1 का वैल्यू 10 है और R3 का वैल्यू 12 है, 10 प्लस 12 की बात करें तो 22 किलो ओम इसका आंसर आ जाएगा, किलो में हमसे पूछा है तो आंसर इज 22। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज पैरेलल प्लेन कैपेसिटर हुज प्लेट्स हैव एन एरिया ऑफ 36π × 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 1 mm, ओके, इज बीइंग चार्ज्ड एट रेट ऑफ 25 वोल्ट पर सेकंड, इफ द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हैज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, देन द डिस्प्लेसमेंट करंट इन माइक्रो एम्पीयर एट दिस इंस्टेंट इज। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर होगी, कैपेसिटर के लिए बात करें तो अपन को एटलीस्ट मतलब अपन को यहां पर कंडक्शन करंट डिफाइन करनी है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी, तो उसके लिए कंडक्शन करंट क्या होगी, देखो आई बराबर चार्ज जो भी आएगा, लेट्स से क्यू है तो आई बराबर dQ/dt होगा, और क्यू बराबर C × V के बराबर होगा, तो C × V को अपन देखो चेंज कर रहे हैं तो dV/dt के बराबर हो जाएगा ये, तो आई की वैल्यू C dV/dt हो जाएगी, यही वैल्यू रखनी है अपन को, dV/dt की 25 दे रखा है, C की वैल्यू निकालते हैं, C बराबर कितना आएगा, K डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 दे रखा है आपको, एप्सिलॉन नॉट, यस, एरिया भी अपन को दे रखा है 36π × 10⁻², है ना, एप्सिलॉन A/d है 1 mm 10⁻³। अब ये K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो कुछ ना कुछ अपन को एप्सिलॉन को इसको सेटल डाउन करना है, तो K की वैल्यू अपन जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन लेते हैं अपन, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 1/4π K, ठीक है, और K की वैल्यू जो है, हाँ, K की वैल्यू कितनी आ गई, दे रखी है अपन को 9 × 10⁹, ठीक है, तो अब देखिए जरा, तो ये तो हो गया 36 पाई, तो ये तो डायरेक्ट कट गया यहाँ से, ठीक है, और बाकी अगर अपन देखें यहाँ पर तो ये अपने पास 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा अपने पास 10⁶, ये ऊपर जाएगा 10⁶ −2 −8 हो गया, और ये 10 है तो ये 10⁻⁷ आ गया, देखो सी की वैल्यू एग्जैक्टली 10⁻⁷ के बराबर है, ठीक है, सी आ चुका है अपने पास, और जब सी आपके पास है तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसे dV/dt से, तो 10⁻⁷ और dV/dt कितना है 25 है, ठीक है, 25 10⁻⁷ −6 में करना है, माइक्रो एम्पीयर में करंट चाहिए अपन को, तो 2.5 × 10⁻⁶
6, तो आंसर इसका आ जाएगा 13th का 2.5। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ थ्री सोर्सेज आर Vx, Vy, Vz दे रखा है। इनके बीच में देखो फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में 2 पाई बाय 3 का और इन दोनों के बीच में भी 2 पाई बाय 3 का है। इफ ऑल थ्री सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट वोल्टेज इज, तो सीधी सी बात है Vx plus Vy plus Vz हो जाएगा, और Vx plus Vy plus Vz हो जाएगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर अपन देखें तो वेक्टर अलजेब्रा से ही हम डील कर सकते हैं इसको। तो पहला जो एरो आएगा वो V नॉट लेंथ का है, दूसरा एरो जो है V नॉट लेंथ का होगा, एंगल 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 बोले तो 120 डिग्री ये आ गया, इसका भी लेंथ V नॉट है। और तीसरा जो एरो है वो इससे 2 पाई बाय 3 मतलब इससे 120 डिग्री पे है, तो उसकी भी लेंथ V नॉट दे रखी है अपन को। ट्रायंगल कौन सा बन गया जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रिजल्ट क्या आया 0, हमारी बात तीनों का सम करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा 0, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा इसका 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V इक्वल्स टू 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 10 ओम एंड टू इंडक्टर्स L1 एंड L2, L1 इक्वल्स टू 2 L2 यस थ्रू ए स्विच एस शोन द फिगर, आफ्टर द लॉन्ग टाइम करंट इन एम्पियर फ्लो थ्रू द इंडक्टर L1 इज। लॉन्ग टाइम के बाद हम सीधी सी बात शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रही 10 ओम, V की वैल्यू दे रखी 10 वोल्ट, इसका मतलब जो करंट यहां से पास होगी उसकी वैल्यू 1 एम्पियर ही आएगी, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब बात आती है चलो ठीक है ये स्टेडी स्टेट करंट शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, लेकिन इनमें भी तो करंट डिवाइड होगी। अब अगर मैं बात करूं किसी भी इंस्टेंट पर तो इसके क्रॉस डिफरेंस कितना आएगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, di1/dt, मान लीजिए इसमें करंट i1 जा रही है L1, और इसमें कितना आएगा L2 di2/dt, dt कैंसिल आउट कर दिया, इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2, और I बराबर जो है जो मेन ब्रांच में जो करंट जा रही है वो I1 प्लस I2 होगी, ये भी दे रखा है ना, और हमें ये भी दे रखा है कि L1 बराबर 2 L2 है, तो L1 बराबर 2 L2 है तो ये 2 L2 रख दो इसको, लो जी तो L2 से L2 कट गया, 2 I1 बराबर I2 आ गया, और हमसे करंट पूछा L1 में तो I2 की वैल्यू को 2 I1 रख सकता हूं यहां पर, तो I बराबर कितना आ गया 2 I1 प्लस I1 मतलब 3 I1, सो I1 इक्वल्स टू I/3, और I की वैल्यू कितनी देर कितनी कैलकुलेट की हमने 1 एम्पियर, तो वैल्यू जो 1/3 की बात करें डिवाइड करें तो 0.333, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 0.33 एम्पियर, 15th का 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए, ए फुली चार्ज्ड कैपेसिटर सी विद द इनिशियली चार्ज्ड क्यू नॉट इज इन कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एट इक्वल टू जीरो द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एल्फा पाई रूट एल सी देन फाइंड वैल्यू ऑफ एल्फा। देखिए कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, चार्ज है जी क्यू नॉट मैक्सिमम, फिर आपने इंडक्टर के साथ इसको शॉर्ट कर दिया, इसमें चार्ज और जो करंट है वो ऑसिलेट होते हैं, वोल्टेज भी ऑसिलेट होता है, तो ये एल सी ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। तो अगर कैपेसिटी इनिशियली चार्ज है ना, फुली चार्ज है, तो किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटी पर चार्ज आता है क्यू बराबर क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, ये चीज ये इक्वेशन जरूर याद रखें आप, ध्यान रखें। और ये कह रहा है कि मिनिमम टाइम आफ्टर विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो सीधी सी बात है पहले कैपेसिटी फुली चार्ज था तो एनर्जी कितनी होगी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, और जब बराबर बराबर दोनों में अमाउंट में एनर्जी होगी सीधी सी बात है उस समय कैपेसिटर पे चार्ज लेट्स से क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो कैपेसिटर पे एनर्जी आएगी, सेम एनर्जी इंडक्टर पे भी आएगी, इसका मतलब 2 टाइम्स इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां से 2c से 2c कैंसिल आउट हो तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 को इधर डिवाइड में ले आई क्यू नॉट बाई रूट 2 आया, सो दिस इज क्यू, और ये क्यू की वैल्यू यहां पर रख देते हैं क्यू नॉट बाई रूट 2, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा 1/√2 आ गया ये, और ये क्या है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम सीधी सी बात है ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए पाई बाय 4 के बराबर होनी चाहिए, तो ओमेगा टी बराबर पाई बाय 4, और टी बराबर आ जाएगा पाई बाय 4 ओमेगा, और ओमेगा जानते हैं 1/√LC होता है एलसी ऑसिलेशन के अंदर, रूट एलसी ऊपर चला जाएगा तो पाई बाय 4 रूट एलसी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अल्फा दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू 1/4 के बराबर 1/4 बोले तो 0.25, तो 16th का जो आंसर है वो 0.25 आ जाएगा, ठीक है 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, 17th पे आ जाइए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज अरेंज्ड अलोंग द सिमेट्री एक्सिस ऑफ ए टोरॉइडल कॉइल ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हूज डायमेंशंस आर गिवन इन द फिगर, द नंबर ऑफ टर्न्स आर ऑन द कॉइल इज n इक्वल्स टू 10^7 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज यूनिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ करंट i इक्वल्स टू 1 मिली एम्पीयर कोस 1000 t फ्लोस अलोंग द स्ट्रेट वायर इज ln अल्फा वोल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है यहां पर, ठीक है h की वैल्यू 1 मीटर है b बराबर 2a आपको दे रखा है। देखिए जो ये जो स्ट्रेट वायर अपन को नजर आ रहा है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट होगा ऐसे, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूं, ठीक है अगर हम क्रॉस सेक्शन यहां पे कंसीडर करें इसके कारण राइट, तो एक मैंने सेगमेंट यहां पे ले लिया राइट, ध्यान से देखना क्योंकि ये फील्ड यूं घूम के आएगा ऐसे,
तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे ना ईएमएफ के लिए, तो उसको कैंसिल मत कर देना आप, क्योंकि इसके लिए अगर देखें तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए करंट इंक्रीज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ जो है कैसे जनरेट होना चाहिए, थिंक केयरफुली। लेट्स से करंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ जो है यूं जनरेट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ईएमएफ इस तरीके से इसमें जनरेट होगा ऐसे, ताकि करंट को कट करे। तो ईएमएफ यूं जनरेट हो रहा है, ये स्टेट वायर है तो ईएमएफ पूरे में ऐसे जनरेट हो रहा है ना, तो सपोर्ट ही करेगा हर तरफ से देखें तो अपन, तो ईएमएफ यूं इस तरीके से जनरेट होता जाएगा। और यहां पे देखें ना इस तरफ, तो करंट इंक्रीज होगा तो यहां पर डॉट आएगा, तो डॉट इंक्रीज होगा, अगर डॉट अगर इंक्रीज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, डॉट को कट करने के क्रॉस बनाना पड़ेगा, तो ईएमएफ ऐसे, है ना ऐसे। तो ये अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो यूं जनरेट हो रहा है, करेक्ट, तो ऐड ही होगा ना एक ही डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां वाला एरिया अगर अपन देखें, इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना आएगा, इसको थोड़ा गौर से देखना आप। तो ये करंट है आई, ये हमने एक रेक्टेंगल सेक्शन ले लिया, और बाकी एच आपको दे रखा है विड्थ, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है ए, और ये बाहर वाली डिस्टेंस कितनी बी के इक्वल है। तो यहां से मैंने क्या किया, स्ट्रिप कट की, डिस्टेंस ये वाली एक्स कंसीडर कर ली, इसकी विड्थ कितनी कंसीडर की मैंने डी एक्स, इसका एरिया जो है इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना आएगा, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक कितना होता है, म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एक्स, ये तो आ गया फील्ड, यहां पर फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये तो बी आ गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर, तो एरिया कितना आएगा एच इंटू डी एक्स, ये फ्लक्स आ गया। तो टोटल फ्लक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी ए से बी तक, ए से बी तक आप इंटीग्रेट कर दो, इसको वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई एच अपॉन मी टू पाई, वन ओवर एक्स का एल एन एक्स आ जाएगा, एल एन बी बाय ए आ गया। सो दिस इज द फ्लक्स राइट पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये फ्लक्स आ चुका है। अब जब फ्लक्स आपके पास है तो ई एम एफ अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ई एम एफ के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, करंट की वैल्यू रखो, डिफरेंशिएट कर दो, है ना, टी के रेस्पेक्ट में ई एम एफ आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी अपन को दे रखे हैं तो एन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा, देखो म्यू नॉट एन आई एच अपॉन में टू पाई एल एन बी बाई ए तो है ही, अब आई की वैल्यू रखेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे, आई की वैल्यू अपन को 1 मिली एम्पियर दे रखी है, तो इसको आई नोट लिख देता हूं मैं, ठीक है, आई नोट तो आएगा आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नोट आएगा, एंड देन कोस का फिर साइन भी होता है, साइन माइनस में आएगा जो भी है, और ओमेगा है ये वाला पार्ट, तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बाकी साइन वाली टर्म आ जाएगी। लेकिन पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू राइट, एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड तो यही आएगा ना। अब इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू देख लेते हैं अपन कितनी आती है, देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी 1000, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4.10 to the power -7, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 to the power 7, आई नॉट जो है वो 1 mA मतलब 10 to the power -3, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर, ये 1 मीटर रख दो, अपॉन 2 पाई एल एन बी बाय बी की वैल्यू कितनी है 2a, 2a बाई ए तो 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, देखो 10 to the power -3, ये 10 to the power 3 कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 बचा, 2 बाहर है, लेकिन एल एन अल्फा की टर्म्स में 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगा 2 की पावर 2, 4 आ जाएगा, तो एल एन अल्फा जो है एल एन 4 के बराबर है, अल्फा बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो ई एम एफ है सारा का सारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 18th पे आइए। एसी एलसी सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस एल इक्वल्स टू 1 μH एंड कैपेसिटेंस दिस, द वेवलेंथ इन किलोमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमेटिक वेव जनरेटेड इज। देखो जी एलसी ओसिलेटरी जो सर्किट होता है ना उसमें जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एलसी ओसिलेशन होता है वही इलेक्ट्रोमेटिक वेव जनरेट होती है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में अजीब सा लगता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे भी जाते हैं भैया, पता नहीं लगता अपन को क्या पूछना चाहता है, लेकिन एलसी ओसिलेटरी सर्किट अगर आपको नजर आए ना तो आप प्लीज उससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। जैसे ओमेगा अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे कितना आएगा 1/√LC, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ओमेगा में 2π को डिवाइड कर दो, ओमेगा बराबर 2π f होता है, तो f बराबर ओमेगा बाई 2π, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगा 1/√LC। और वेवलेंथ पूछिए तो f लैम्डा इक्वल्स टू c होता है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा c अपॉन में f, f की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा 2π√LC, कैपिटल c, ये c स्पीड ऑफ लाइट है, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, चलो स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ इंटू 2π इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 1 μH 10⁻⁶, सी की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है 0.01 10⁻⁴ में, तो 10⁻⁸ ही हो जाएगा वो, है ना, तो ये आ जाएगा 8 × 14, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷,
ये इससे कटेगा तो एक बचेगा, तो यहां पे आ गया अपने पास, ये आ जाएगा 660 पाई, ये मीटर में आ जाएगा, किलोमीटर में पूछा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो 60 पाई अपॉन में 1000, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना तो किलोमीटर में आएगा ये 0.19 किलोमीटर, है ना, अराउंड जो वैल्यू है 0.19 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 19th, the wavelength of the green light of mercury is 550 nanometer if the refractive index of the glass is 1.5 the time period of electrical vector in the glass is, देखो एक चीज इंटरेस्टिंग दे रखी है, देखो इसमें वेवलेंथ आपको गिवन है, ठीक है, ग्रीन लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट भी अपन को पता है 3×10⁸ होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, और भैया ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी मीडियम में चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, टाइम पीरियड पूछा तो फ्रीक्वेंसी से आएगा वो, तो फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया 1.5 का, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा हो जाएगा, सी 3×10⁸ मीटर में, और ये 550 नैनोमीटर 10⁻¹, ये लैम्डा आ गया, ये ऊपर लेके जाओ तो 3/550 आ गया, ये चाहो तो इसको कट कर दो, एक -8 आ जाएगा, ये -8 आएगा, ऊपर चला जाएगा 8 और 8 16 हो गया, तो ये वैल्यू आ चुकी है फ्रीक्वेंसी की, एंड फ्रीक्वेंसी इतनी है तो सीधी सी बात है जो टाइम पीरियड आएगा 1/T आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 55/3×10⁻¹⁶ आ गया, सही है, -15 में दे रखा तो एक जीरो सेटल कर दो, 5.5/3×10⁻¹⁶ आ गया, इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3×1 तो ये कितना बचेगा 2×3=24 1.83 के राउंड जो है आई थिंक वैल्यू जो है इसकी आ जाएगी, तो ये जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईजेड आपको दे रखा है 100 को 6×10⁸T+4x वोल्ट पर मीटर प्रोपेगेट्स इन मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी इज इन सेकंड एंड एक्स इज इन मीटर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए जी। तो एक चीज देखो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको स्पीड पता लग जाए किसी मीडियम के अंदर, है ना, तो देखो ये होता है के, ये होता है ओमेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ओमेगा बराबर के इंटू वी होता है, तो वी बराबर कितना आ जाएगा ओमेगा बाय के, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6×10⁸, और के की वैल्यू कितनी है 4, ये लो जी वी आ गया, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन वो भैया सी अपॉन में वी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो 3×10⁸ तो वैक्यूम में आ गया, इसमें कितना है 6×10⁸ और 4 चला गया जी ऊपर, ठीक है, इससे कट कर दो, ये कट गया 3, 2 और ये 2 से कट कर दो 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, करेक्ट। तो ये थे जी आपके सेक्शन बी के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से हल्के से लेंदी थे, हल्का सा कैलकुलेटिव पार्ट था, लेकिन आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी स्पीड बढ़ाओ जेई मेंस के पेपर के लिए, ठीक है, और नॉलेज जो है जितना हो सके बढ़िया क्वेश्चन कीजिए, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता भी है हमें, ठीक है, ओके।